करी है ट्रेडिशनल फिजिकल क्लासेस में ही बताओ व्हाट वी हैव स्टडीड. अच्छा हाँ बीच में नहीं आई तुम, आई थिंक आप भी नहीं आए ना बीच में. चलो कुछ नहीं, तो तुम तो रेगुलर हो तो यार तुम बताओ क्या क्या कवर कर लिया हमने, याद है लास्ट क्लास में क्या किया था देख के बता दो. हाँ ये सही रहेगा क्योंकि बीच में दिवाली ब्रेक हो गया ना, लॉन्ग वीकेंड हो गया. बुक्स दिखा सकते हो एक बार. हाँ वी हैड डन दैट. हाँ जो जो पढ़ाया वो इसमें कवर हो जाएगा. आज हम यही करें मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, वी विल बी डूइंग लेसन टू मतलब यूनिट टू हम स्टार्ट कर रहे हैं. सही है, चलो बुक पास हो गई, दैट इज़ व्हाट यू आर सेइंग. वी विल बी डूइंग यूनिट टू टुडे. सो इफ आई समराइज व्हाट ऑल आई हैव कवर्ड इन द क्लासेज अप टिल नाउ, फिजिकल मोड क्लासेज अप टिल नाउ, आई हैव कवर्ड फर्स्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. इसमें हमने डिजिटल मार्केटिंग का मीनिंग, हाउ डिजिटल मार्केटिंग इज डिफरेंट विद ट्रेडिशनल मार्केटिंग, वी हैव कवर्ड दैट. वी हैव कवर्ड द सेवन पिलर्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, सेवन पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है पता होने चाहिए. देन आफ्टर दैट इन द फर्स्ट क्लास ओनली वी डिड द कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, जिसमें हमने सारा प्री परचेज स्टेज, परचेज स्टेज, पोस्ट परचेज एंड पोस्ट कंजम्पशन डिस्कस किया था. उसके बाद हमने कुछ ऑनलाइन शॉपर्स के एट्रीब्यूट्स वगैरह उसी क्लास में डिस्कस किए थे. देन वी केम टू द नेक्स्ट क्लास जिसमें हमने एसटीपी किया था, एसटीपी 2.0 भी बोला था मैंने इसको, क्योंकि दिस वॉज ऑनलाइन सेगमेंटिंग, ऑनलाइन टारगेटिंग, ऑनलाइन पोजीशनिंग, हमने ये सारा कवर किया था. देन आफ्टर दैट हमने उसके नेक्स्ट क्लास में मार्केटिंग मिक्स कवर किया था. आज मेरा एक एजेंडा था, आई वॉन्टेड टू डू दिस क्वेश्चन बिकॉज किसी एक बच्चे का क्वेश्चन भी आया, सजेशन भी आया था, वो वहाँ बैठा था उस दिन, कि वाई नॉट वी डू समथिंग प्रैक्टिकल ऑल्सो विद द थियोरेटिकल टॉपिक्स. तो आज भी हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज करेंगे. एंड मेरा ये पर्सनल सजेशन था, वी कैन थिंक ऑफ एनी ब्रांड जो एग्जिस्टिंग ब्रांड है, एंड उसके लिए हम थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हैं कि वॉट अबाउट इट्स मार्केटिंग मिक्स, वॉट अबाउट इट्स सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग, एंड वॉट अबाउट इट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज. तो हम स्वॉट एनालिसिस वगैरह एक उसके ब्रांड का करके देख सकते हैं. एंड दैट विल ऑल्सो हेल्प यू आउट कि अगर आप रियल सेंस में जाके किसी ब्रांड के लिए, किसी कंपनी के लिए अगर कुछ रियल पॉलिसी बनाते हो, रियल स्ट्रैटेजी बनाते हो, तो हाउ यू विल बी असेसिंग द डिफरेंट पैरामीटर्स. तो आज हम वो चीज़ पढ़ने वाले हैं जिसके बिना मार्केटिंग करना आज के टाइम में इमेजिन करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, दैट इज स्ट्रैटेजी. तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज स्ट्रैटेजी बिफोर वी गो इन टू ऑल द डिस्कशन. स्ट्रैटेजी क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटेजी, क्या होता है स्ट्रैटेजी. ओके, गोल्स के लिए कुछ प्लान क्रिएट करना, रोड मैप, समथिंग रिलेटेड टू प्लानिंग. प्लानिंग तुमने भी वैसे कुछ और स्ट्रैटेजी सोचो. अच्छा अभी तुम ना मार्केटिंग और बिजनेस स्ट्रैटेजी सोचो, नॉर्मल लाइफ में स्ट्रैटेजी काम आती है. कौन सी स्ट्रैटेजी नॉर्मल लाइफ में, डेली लाइफ में आपने यूज करी है, जैसे जैसे अगर आप, हाँ ओके 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 ठीक है ओके. और कोई स्ट्रैटेजी, घर में मम्मी भी स्ट्रैटेजी यूज़ करती हैं जब मेहमानों ने आना होता है. हाँ मेहमानों ने आना होता है, व्हाट डज शी डू अगर उन्हें पता चल जाए कि मेहमानों ने आना है. एंड यू नो राजमा छोले दे, इनकी बेसिक एक रिक्वायरमेंट होती है, अगर घर के बारे में कुछ भी पता है भिगो के रखना पड़ता है ओवरनाइट, तब जाके ना ये सॉफ्ट होते हैं. तो अब सपोज करो अगर किसी मेहमान ने आना है, मतलब मम्मी को सुबह सुबह 8 बजे फ़ोन आ गया लाइक द ब्रदर इज़ कमिंग और द सिस्टर इन लॉ इज़ कमिंग और समबडी एल्स, तो मम्मी फिर पता है क्या करती है, राजमा छोले को इनू में वो लगवा देती है, सीटियाँ लगवा देती हैं. उससे क्या होता है, बिकॉज इनू इज़ सम यू नो दैट बेसिक प्रॉपर्टीज़, वो होता है ना एसिड बेसिड वाला जो है, तो उसकी रिएक्शन की वजह से वो जो चीज़ ओवरनाइट होनी होती है वो 15-20 मिनट में, आधे घंटे में हो जाती है. एंड देन द राजमा इज़ कुकेबल, अदरवाइज राजमा वुड हैव नॉट बीन कुकेबल. सो दिस इज वॉट आई एम ट्राइंग टू गिव एन एग्जाम्पल की विथ योर स्ट्रैटेजी है. तो बेसिकली वॉट इज स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी इज एनी टैक्टिक, स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान. ये वर्ड पता है कहाँ से आया, ठीक है आजकल बिजनेस वाले जो हैं स्ट्रैटेजी को अपना मान के चलते हैं कि जितने भी बिजनेस वाले लोग हैं स्ट्रैटेजी उनका डोमेन एरिया है, बट एक्चुअली स्ट्रैटेजी आया था फ्रॉम द मिलिट्री स्ट्रैटेजीज. तो सबसे पहले डिफेंस एंड मिलिट्री वॉज द एरिया जहाँ पे स्ट्रैटेजी वर्ड सबसे पहले यूज़ किया गया था. एंड इट वॉज क्रेडिट टू द मिलिट्री जनरल ऑफ चाइना सुनजू, उनकी एक बहुत पॉपुलर बुक भी है, पढ़ सकते हो, सुनजू की एक बहुत अच्छी बुक है. तो उन्होंने सबसे पहले अपनी बुक में स्ट्रैटेजी का कंसेप्ट दिया था कि दैट इट इज़ अ गेम प्लान, इट इज़ अ स्ट्रैटेजी, इट इज़ अ टैक्टिक विच कैन हेल्प मी विन द वॉर अगेंस्ट माई कंपेटिटर. तो अगर कॉम्पिटिशन है, अगर एक फीलिंग ऑफ कॉम्पिटिशन है, जैसे अभी उसने कहा करियर के लिए, तो अगर आपको पता है कि सपोज करो एक जॉब के लिए आप जा रहे हो,
पांच जॉब्स हैं और आपको पता है चार लोग हैं, आपको स्ट्रैटेजी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यू आर इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। पांच जॉब्स हैं, चार जने हैं, 100% चार को तो रखेंगे ही रखेंगे, एक जॉब रादर खाली जाएगी, यू डोंट नीड एनी स्ट्रैटेजी। कंफर्टेबली जैसे होता है ना वो टॉर्टोइस वाली चाल चलो, सो यू डोंट नीड इट। बट द मोमेंट यू रियलाइज दैट देयर आर अदर टॉर्टोइसेज ऑल्सो, द मोमेंट यू रियलाइज दैट देयर आर अदर रैबिट्स ऑल्सो, कॉम्पिटिशन शुरू हो गया है जो आज के टाइम पे, कि पांच जॉब्स हैं बट अप्लाई करने वाले 500 हैं, तो वो जो रेशो जब बिगड़ जाता है देन यू नीड अ स्ट्रैटेजी। यू नीड टू प्लान कि कौन सी कोचिंग ज्वाइन करके मेरा MBA का कैट स्कोर इम्प्रूवड हो, मैट स्कोर इम्प्रूवड हो। अच्छा अभी तुम लोग पूछ रहे थे एक मैट का भी तो पेपर होता है, जी मैट वगैरह ये सारी चीज़ें भी होती हैं, सो दे आर ऑल्सो द ऑप्शन विच यू कैन एक्सप्लोर इफ यू वॉन्ट फर्दर। तो दिस इज जस्ट समथिंग दैट आई सॉ एन एडवर्टाइजमेंट, तो मुझे एकदम से याद आया, जब मैंने कैट बोला तो मुझे मैट याद आया। सो दिस इज हाउ स्ट्रैटेजी हेल्प्स इन मेकिंग पीपल प्लान देयर लाइफ। और प्लान करने की ज़रूरत, वो जो तुम सारे कीवर्ड्स बोल रहे थे, प्लान करना, डायरेक्शन देना, थोड़ा सा वर्कआउट करना, वर्कआउट करने की ज़रूरत तभी पड़ती है व्हेन वी आर सराउंडेड इन अ कॉम्पिटिशन। जब मुझे पता है क्लास में टेस्ट लेने वाला एक ही बच्चा है तो उसको कोई प्रेशर नहीं है जल्दी करने का, लेट करने का, क्योंकि उसको पता है मैं आज दूँ कल दूँ टीचर ने मेरा पेपर लेना ही लेना है। बट द मोमेंट यू रियलाइज दैट मुझसे भी पढ़ने वाला कोई स्ट्रॉन्ग है, इवन इन स्पोर्ट्स इफ़ यू टेक, अगर सबको पता हो कि जो टीम जीत रही है उसी को कप दे देना है, तो वो फिर मेहनत ही करना बंद कर देगी कि ओके वी आर देयर ओनली, हमें ही मिलेगा, हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बट बिकॉज वी नो दैट देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ कॉम्पिटिशन, अगर आज हमने बुरा खेला तो आज हमारा दिन नहीं होगा, आज हम लूज कर जाएंगे, देन ओनली दे मेक स्ट्रैटेजीज, किसको बॉलिंग करानी है, किससे बैटिंग करानी है, वो सारी स्ट्रैटेजीज, वो सारा प्लानिंग, वो सारा जो एनालिसिस एक हफ्ते से हमारे मीडिया में चल रहा है, वो सारा एनालिसिस आता ही तब है जब कॉम्पिटिशन होता है। So strategy is something that comes into business, that comes into the domain of marketing when we have certain level of competition. So today we'll be covering about the different digital marketing strategies. Rather, हाँ बोलो। प्लान और स्ट्रैटेजी में क्या फ़र्क होता है? देखो प्लानिंग इज जो हर एक नॉर्मल एवरेज इंसान करेगा, जैसे अभी शी वॉज टॉकिंग अबाउट अ मैरिज, एवरीबडी इज सपोज टू गेट मैरिड, तो एवरीबडी इज़ हैविंग अ प्लान इन देयर माइंड्स कि येस ओके बाय दी, जैसे सबको होता है ना, जैसे बाय दी एज ऑफ 21 आई विल ग्रेजुएट, बाय दी एज ऑफ 28 आई विल गेट अ सेटल्ड जॉब, बाय दी एज ऑफ मे बी 30 आई विल गेट मैरिड, बाय दी एज ऑफ 35 आई विल बी हैविंग अ किड, बाय दी एज ऑफ 40 आई विल बी हैविंग अ हाउस। ये सब प्लान है क्योंकि ये आप अपनी लाइफ को एकदम नॉर्मल पेस पर प्लान कर रहे हो। जब इसमें स्ट्रैटेजी आ जाता है प्लान की जगह, तो स्ट्रैटेजीज जब आप अपने गोल्स बनाते हो इन अ वेरी कंपेटिटिव एंड कंपैरेटिव मैनर, लाइक आप अगर आप अकेले एकलौते हो सकता है आपका प्लानिंग से काम चल जाए, बट द मोमेंट यू रियलाइज दैट यू हैव अ ब्रदर ऑल्सो, द मोमेंट यू रियलाइज दैट यू हैव अ सुपीरियर ऑल्सो जो प्रमोशन के लिए आपके साथ ही ड्यू होने वाला है, तब आपकी स्ट्रैटेजी शुरू हो जाएगी कि ठीक है मुझे पता है मुझे 30 साल में शादी करनी है, बट लेट्स शादी से पहले गेट अ परमानेंट पोजीशन इन द कंपनी, वो आपकी स्ट्रैटेजी होगी। अब उस परमानेंट पोजीशन के लिए आपके जो शॉर्ट टर्म गोल्स बनेंगे ना, शॉर्ट टर्म प्लानिंग होगी, वो सारा वो स्ट्रैटेजी का पार्ट है कि आप कैसे अपने बॉस को खुश करने की कोशिश कर रहे हो, आप कैसे असाइनमेंट्स की डेडलाइंस को बिफोर द डेडलाइन मीट करने की कोशिश कर रहे हो, आप कैसे अपने खुद की सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे, जैसे वो मास्लोस की जो नीड हायरार्की है, आप कैसे उसमें अपनी एस्टीम नीड्स, रिकॉग्निशन नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स पे काम कर रहे हो, आप कैसे अपनी एफिलिएशन सर्कल को बढ़ा रहे हो, अपने नेटवर्क्स को बढ़ा रहे हो, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को एनरिच कर रहे हो, वो सब फिर स्ट्रैटेजी का पार्ट है। तो ये तो हो गई आपकी स्ट्रैटेजी फॉर द परमानेंट पोजीशन इन द कंपनी। इसी तरीके से एक और स्ट्रैटेजी आ जाएगी, जैसे अगर कोई आपका बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होगा तो आपको कहेगा ना पापा पेरेंट्स डे पे कंपटीशन है और आपको मेरे फ्रेंड के पापा से ज़्यादा रेस में मतलब फर्स्ट आना है, अगेन अ स्ट्रैटेजी विल कम। सो यू सी स्ट्रैटेजी बहुत छोटी एक इनसिग्निफिकेंट इवेंट के लिए भी हो सकती है, लाइक अ पेरेंट टीचर रेस जो हो सकती है, एंड स्ट्रैटेजी किसी लाइफ चेंजिंग डिसीजन के लिए भी हो सकती है। इवन जो उसने शादी के लिए अभी एक एग्जांपल दिया था कि शादी के लिए भी लोग स्ट्रैटेजी करते, तो आजकल देखो शादी इज़ अ बिग अफेयर, शादी मैरिज इंडस्ट्री इज़ अ बिग इंडस्ट्री जो अभी 23 नवंबर से चालू हो जाएगी, बिकॉज दैट इज़ हाउ द मैरिजेज आर प्रोसेसिंग इन इंडिया। सो कई लोग शादी के लिए भी प्लान आउट नहीं करते, लाइक दे गेट दोज फैंसी फोटोग्राफर्स, सिनेमाटोग्राफर्स जो पूरी वीडियो बनाते हैं एंड फिर वो अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर पहले टीज़र रिलीज करते हैं, दैट इज़ देयर स्ट्रैटेजी ऑफ मेकिंग मनी आउट ऑफ देयर एंटायर मैरिज सेरेमनी। तो वो स्ट्रैटेजी है, नॉर्मल लोग क्या कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फोटो देख रहा है नहीं देख रहा, बट दोज पीपल हु हैव लाइक कंटेंट क्रिएटर्स जो होते हैं, जिनको पता है हमारे मतलब यूट्यूब पे लाइक्स और कंटेंट के व्यूज़ के बेसिस पे वी विल गेट दोज रेवेन्यू जनरेशन है उनका, तो दे प्लान एवरीथिंग। जैसे इवन सेलिब्रिटीज़ आर डूइंग द सेम थिंग, डेस्टिनेशन मैरिज, सेलिब्रिटीज़ आर डूइंग द सेम थिंग, हर सेलिब्रिटी अपनी शादी को आज एक इवेंट के फॉर्म में पिक्चराइज कर रहा है।
तो वो क्यों मिल रहे हैं? अब देखो दीपिका पादुकोण एंड रणवीर सिंह का आई थिंक शादी कब हुई थी बताओ? व्हेन डिड दे गेट मैरिड? 18-19 में भी हम 3 साल तो हो गए ना अप्रॉक्सीमेटली, 3 साल हो गए। बट पता नहीं 2-4 दिन 6 दिन पहले ही मैंने यूट्यूब पे ना कुछ उनका शादी का एक पता नहीं ट्रेलर देखा या समथिंग कुछ ऐसा देखा। यू सी 3 साल बाद भी दे आर कैशिंग देयर वेडिंग। ऐसा कौन है जो 3 साल बाद भी, 3 साल बाद के बाद तो एक रिग्रेट शुरू हो जाता है लाइफ के अंदर कि शादी करी ही क्यों। वॉट एवर सी यू आर मोर अवेयर अबाउट दिस बट एवरीथिंग दैट दे आर डूइंग इज अ पार्ट ऑफ देयर स्ट्रैटेजी। शायद हाँ पी आर, इट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर पी आर। शायद मूवीज नहीं चल रही, शायद कोई नए प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे, सो दे आर डूइंग दिस थिंग टू अर्न। यस, सो दिस इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। इवन इफ यू पीपल आर बिग बॉस फैंस, आई डोंट नो इफ यू आर और नॉट, एनी थिंग दैट इज हैपनिंग इन देयर हाउस इज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी सो दैट द शो रिमेन्स इन द न्यूज। चाहे वो लड़े झगड़े बॉटल तोड़े चेयर तोड़े जो भी करे, दिस इज अ पार्ट ऑफ देयर स्ट्रैटेजी। और स्ट्रैटेजी क्योंकि टीआरपी कंपटीशन कहाँ से आया? टीआरपी पे आया। अगर लोग बिग बॉस नहीं देखेंगे तो उस टाइम पे टीवी स्लॉट के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स आ रहे हैं, ओटीटी के ऊपर बहुत सारा कंटेंट है जो लोग स्विच कर जाएंगे। सो टू सेव दैट थिंग फ्रॉम हैपनिंग दे हैव एवरीथिंग प्लान्ड। तो जब आप हर मूवमेंट को प्लान कर रहे हो दैट इज स्ट्रैटेजी। बट जब आप लाइफ को प्लान कर रहे हो एक बहुत कंपोजर के साथ प्लान कर रहे हो दैट इज नॉर्मल प्लानिंग। बट व्हेन यू आर प्लानिंग कैलकुलेटिवली प्लानिंग इज स्ट्रैटेजी। तो जब आप हर चीज़ को कैलकुलेट करके चल रहे हो ना कि मेरे यहाँ चलने से इतना फ़र्क पड़ेगा, मेरे यहाँ ना चलने से इतना, लेकिन पीपल डू इट ऑल्सो। इस फ्रेंड का बर्थडे अटेंड करने से ये फ़ायदा है नुकसान ये है, सो इफ़ यू कैलकुलेट दैट फायदा एंड नुकसान एंड देन यू डिसाइड टू अटेंड द पार्टी और द वेडिंग, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू स्ट्रैटेजी। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टू डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जो आज हम कवर करेंगे। सो द फर्स्ट स्लाइड इज एक्चुअली शोइंग यू व्हाट इज मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। सो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बाय डेफिनेशन हैज द गोल। अब देखो मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी, तो मार्केटिंग का काम क्या है? कुछ ना कुछ पैसा कमाना, कुछ ना कुछ बिजनेस की सेल्स करना। सो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का एक गोल होता है कि सेल्स को इंक्रीज करना और सस्टेनेबल कंपेटिटिव एज। सो यू सी स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन में ही मार्केटिंग का कंपटीशन वर्ड ज़रूर आया है, बिकॉज अगर आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कर रहे हो, अगर आप बिजनेस वर्ल्ड में हो, तो कहीं ना कहीं यू वॉन्ट टू गेट बेटर ऑफ योर कॉम्पिटिटर जनरली। अब जैसे इसमें आप देख सकते हो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हो गया, विजन लॉन्ग टर्म। अच्छा विजन और मिशन में फ़र्क पड़ता है ना, क्या होता है फिर बता दो एक बार। विजन तो फ्यूचर के लिए होते हैं, गोल्स और मिशन करेंटली जो हम कर रहे हैं। ओके कहाँ गिर गया, मिल गया, चलो अभी लास्ट में उठाते हैं। एनीबडी एल्स विजन एंड मिशन तो सही बोला उन्होंने, बताओ एग्री और डिसएग्री? विजन इज लॉन्ग टर्म और मिशन इज नॉट लॉन्ग टर्म, मिशन टुगेदर। ओके ओके नहीं ये तो उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया। हाँ तुम लोगों का एंड गोल क्या है? अभी कुछ कॉन्वर्जेशन से मुझे एक एंड गोल पता चल गया, दैट मेनी ऑफ योर्स एंड गोल इज टू गेट अ जॉब एज अ मार्केटिंग मैनेजर इन अ गुड कंपनी। सो दैट इज़ योर विजन, मे बी अ शॉर्ट टर्म विजन ओनली, लॉन्ग टर्म विजन की मैं बात नहीं करी। शॉर्ट टर्म विजन लाइक मे बी 3-4 साल का ले ले, 3-4 साल में तुम लोग अपने आप को एक मार्केटिंग मैनेजर की पोजिशन पर देखते हो अच्छी कंपनी के अंदर। दिस इज़ वॉट योर शॉर्ट टर्म विजन, बहुत मतलब इमीडिएट वाला विजन आप कह सकते हो। उसके लिए मिशन इज़ वॉट यू पीपल वर आस्किंग मी, मैम क्या करना चाहिए? लाइक आई टोल्ड यू लाइक यू हैव टू बिल्ड योर सी वी, दैट इज़ योर वन मिशन। लाइक आई टोल्ड यू यू हैव टू अटेंड डिफरेंट केस प्लान केस कॉम्पिटिशन, दैट इज़ योर सेकंड मिशन। लाइक आई टोल्ड यू यू नीड टू हैव अ गुड GPA। अब GPA 3.5 वाला होगा तो थोड़ा जॉब मिल जाएगा, सो यू नीड टू हैव अ गुड GPA ऑल्सो, दैट इज़ योर थर्ड मिशन। देन सब्सिडरी मिशन, जैसे आपने पूछा ये कोर्स करना चाहिए, ये वाला स्किल सेट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो एक विजन को अचीव करने के लिए यू हैव डिफरेंट डिफरेंट मिशन इन योर लाइफ। सो विजन इज दैट यू सी योर सेल्फ एज द CEO ऑफ योर स्टार्टअप, मिशन इज उस स्टार्टअप के CEO बनने के लिए आपको कितना पत्थर पे चलना पड़ेगा। सो दिस इज वॉट, सो यहाँ पे पीटर ड्रकर का यूज़ किया गया है कि जब भी आप अपनी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग वगैरह की बात करते हो तो यू डेफिनेटली डिस्कस व्हाट इज़ योर बिजनेस, हु इज़ योर कस्टमर, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ योर कस्टमर एंड हु शुड योर बिजनेस बी। तो अगर आप मार्केटिंग परस्पेक्टिव से देखो, बिजनेस परस्पेक्टिव से देखो, तो कोई भी स्ट्रैटेजी अपनी खुद की डेफिनेशन के बिना नहीं हो सकती। लाइक मैंने बहुत लोग देखे हैं जो हमसे पूछते हैं
कि एज टीचर्स हमसे पूछते हैं कि मैम सीए बनने के लिए क्या करना है. सीए बनने के लिए सबसे ज़रूरी दैट यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड यू नीड टू बी गुड इन लिटिल बिट ऑफ मैथ्स एंड अकाउंट्स ऑल्सो. मैथ्स और अकाउंट्स के अगर आप अच्छे नहीं हो सो यू कैन नॉट बिकम अ गुड सीए. बन तो जाओगे पर वो काम चलाओ वाले बनोगे, तो काम चलाओ वाले का मतलब क्या है, दैट यू वोंट गेट गुड बिजनेस. तो अगर आपको एक अच्छा सीए बनना है, आपको एक सक्सेसफुल सीए बनना है, सो यू नीड टू बी गुड ऑन द न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पार्ट. बट एज अ टीचर हमें भी पता होता है ना कौन से बच्चे का मैथ स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बच्चे का मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है. और अगर हम कभी उसको बोल देते हैं बेटा ये आपके लिए नहीं है, तो हम उसे क्यों बोलते हैं, बिकॉज वी नो हु द बिजनेस इज डीलिंग विद. मतलब उसका बिजनेस क्या है, उसका बिजनेस मे बी ऑन द सॉफ्ट साइंसेज है. हो सकता है मैथ्स में अच्छा नहीं है, बट ये तो हो सकता है ना वो साइकोलॉजी में अच्छा हो. ये वो चीज़ अपने आप में एक्सप्लोर नहीं कर रहा क्योंकि शायद उसकी फैमिली में उसको प्रेशर दिया जा रहा है ओनली सी ए ओनली सी ए ओनली सी ए. बट द मोर ही एक्सप्लोर्स अबाउट हिमसेल्फ, हो सकता है वो एज अ काउंसलर ज़्यादा सक्सेसफुल और वेल ऑफ होता है देन बींग अ सी ए. सो जस्ट बिकॉज पीपल आर टेलिंग यू दैट उस डायरेक्शन में जाओ, दैट डजेंट मीन्स वो तुम्हारी स्ट्रैटेजी बन जाएगी. सेम इज विद द बिजनेस. जस्ट बिकॉज ममा अर्थ इज डूइंग अ बिजनेस इन ग्रीन प्रोडक्ट्स या इन ऑर्गेनिक फील्ड, डजेंट मीन कि सनसिल्क भी ये सेम चीज़ शुरू कर दे. बिकॉज द सेट ऑफ द कस्टमर्स दैट सनसिल्क हैज विल बी डिफरेंट फ्रॉम द सेट ऑफ द कस्टमर्स दैट ममा अर्थ इज हैविंग. ममा अर्थ का बेस ही बिल्कुल डिफरेंट है, उन्होंने टारगेटिंग ही डिफरेंट करी और सनसिल्क की टारगेटिंग ही बिल्कुल डिफरेंट है. दोनों की टारगेटिंग सेम है, दोनों के कस्टमर सेम है, दोनों के कस्टमर सेम नहीं है. सो दिस इज व्हाट दिस पर्टिकुलर स्लाइड इज टॉकिंग अबाउट. नेक्स्ट, अब सबसे पहले हम फर्स्ट स्ट्रैटेजी पे आते हैं, विच इज़ द डिजिटल मार्केटिंग फनल. देखो मार्केटिंग फनल की बहुत ज़रूरत क्यों है. अच्छा एक चीज़ मैं और बता दूँ, जैसे तुम लोग का एक बहुत डाउट होता है कि मैम इस कोर्स से क्या फ़ायदा होगा. इस कोर्स से एक फ़ायदा होगा दैट यू कैन एक्सेल इन योर इंटरव्यूज़. जब भी आप जॉब इंटरव्यूज़ के लिए जाते हो, the things that people ask they may be from the practical aspect, but majority I have seen that people definitely want to test your theoretical understanding first. वो आपसे एक कोड रन करवाने से पहले ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या उस कोड की क्लैरिटी के बारे में पता है. कीवर्ड तो सब बना लेंगे, कीवर्ड का वो जैसे जो प्रोसेस है, मे बी हंड्रेड ऑफ पीपल्स कैन डू इट एंड वी हैव अ गुड आई टी टीम फॉर दैट. आई टी टीम एग्जिस्ट करती है एक बिजनेस के बाद. अगर आप एक एज अ मार्केटिंग प्रोफेशनल की जॉब के लिए जा रहे हो, सो दे विल बी एक्सपेक्टिंग दैट येस यू शुड नो वॉट इज़ एस टी पी. दे विल बी एक्सपेक्टिंग दैट यू शुड बी क्लियर विद वॉट इज़ मार्केटिंग मिक्स एंड एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स. तो वन ऑफ द वेरी रिफाइंड क्वेश्चन दैट ऑल्सो कम्स इन द इंटरव्यूज इज वॉट इज़ मार्केटिंग फनल या मार्केटिंग फनल का इंपॉर्टेंस क्या है. तो देखो मार्केटिंग फनल क्या होता है. मार्केटिंग फनल इज यू कैन से इट्स अ पूरा डायरेक्शन, इट्स अ पूरा चेन. और ये चेन हमें कैसे बताता है, ये चेन हमें ये बताता है दैट हाउ द कस्टमर्स आर सेग्रीगेटेड एट वन लेवल और दी अदर. लाइक जब भी हम मार्केटिंग में जाते हैं, हम हमेशा एक टारगेट ऑडियंस के साथ जाते हैं. बट इज़ इट सो कि जो आपका टारगेट ऑडियंस है वो आपका 100% ऑडियंस बन जाएगा. लाइक ममा अर्थ का टारगेट ऑडियंस क्या है, अगर मैं उसके अनियन शैम्पू की बात करूँ, लेट्स टेक अ वेरी स्पेसिफिक प्रोडक्ट अनियन शैम्पू. टारगेट ऑडियंस क्या है, एनीबडी हु इज़ सफरिंग फ्रॉम हेयर फॉल या शॉर्ट हेयर या मतलब जिनके हेयर बहुत वीकन हो रहे हैं, ऑल दोज आर द टारगेट ऑडियंस. डज दैट मीन कि क्या पूरा जो टारगेट ऑडियंस इंडिया में एग्जिस्ट करता है वो सारा ममा अर्थ खरीद रहे हैं. ये आपका मार्केटिंग फनल आपको बताता है कि हु बिकम्स योर एक्चुअल ऑडियंस फ्रॉम द टारगेट ऑडियंस. तो हर लेवल ऑफ द फनल पे स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग इज छटाई होती है. और उस छटाई से हमें पता चलता है कि हमने टारगेट कितनों को किया और हम एक्चुअली मीट कितनों को कर पा रहे हैं. सो बेसिकली मार्केटिंग फनल का एक और परस्पेक्शन भी होता है जिसको परचेज फनल भी बोला जाता है, कस्टमर फनल भी बोला जाता है, सेल्स फनल भी बोला जाता है. फनल इज लाइक छटनी करने के लिए कोई सीव, छन्नी. छन्नी से क्या होता है, वी हैव दोज टी लीव्स और टी लीव से छन के वो चाय आती है. सो दिस इज व्हाट अ फनल इज ऑल्सो डूइंग. फनल इज जस्ट प्यूरिफाइंग योर टारगेट ऑडियंस इनटू डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स सो दैट द एंड रिजल्ट आपके पास आ रहा है, उस ऑडियंस पे आप डेडिकेटेडली काम कर सको. ममा अर्थ को वो पूरे, सपोज करो जस्ट आई एम टेकिंग अ फिगर, हो सकता है इंडिया के अंदर 2 करोड़ लोग हो जो अभी हेयर फॉल की प्रॉब्लम से सफर कर रहे हो. ममा अर्थ को वो पूरे 2 करोड़ लोगों पे फोकस करने की जरूरत नहीं है. अगर उस 2 करोड़ में से 20 लाख वो प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, सो ममा अर्थ का टारगेट अटेंशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम शुड बी दोज 20 लाख. क्योंकि वंस यू गेट अ कस्टमर, इट्स अ लॉस दैट यू लूज दैट कस्टमर टू सर्टन अदर ब्रांड. पहले तो इतनी मेहनत करी 2 करोड़ से इन 20 लाख को कस्टमर बनाने के लिए, अब अगर ये 20 लाख में से भी 2 लाख चले गए,
सो दैट इज अ बिग लॉस फॉर मामाअर्थ. आपने सुना होगा मार्केटिंग में अ कस्टमर लॉस कॉस्ट मोर देन अ कस्टमर गेन्ड. तो एक नए कस्टमर के आने का उतना फायदा नहीं होगा जितने पुराने कस्टमर के जाने से नुकसान होगा. एग्जैक्टली सेम सेम. हाँ, क्योंकि इलेक्शन का मूड चल रहा था, बहुत रेलेवेंट एग्जाम्पल है. सेम इज विद पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो. लाइक एक जो जैसे हम कहते हैं ना ट्रेडिशनल वोटर, आजकल आप सुन रहे होगे पॉलिटिकल जितने भी डायलॉग्स चल रहे हैं, डिस्कोर्सेज चल रहे हैं, इतना सारा न्यूज़ में आता है. ट्रेडिशनल वोटर जो है, अगर वो ट्रेडिशनल वोटर आपका शिफ्ट कर रहा है दूसरी पार्टी के अंदर, तो आपका ज़्यादा नुकसान है देन गेटिंग न्यू वोटर्स. क्योंकि वो ट्रेडिशनल वोटर अपने साथ पूरी फैमिली को लेकर आता है, अपने साथ पूरे वो अपने फ्रेंड सर्कल्स को लेकर आता है. और अगर वही आपसे जा रहा है तो साथ साथ में वो लोग भी जा रहे हैं जिनको वो लेकर आया था. सेम वॉज द केस विद मैकडोनल्ड्स एंड वेंडीज. पता नहीं तुम लोगों ने वेंडीज सुना नहीं सुना, एक टाइम पे वेंडीज भी होता था. सो वेंडीज नहीं सक्सेस कर पाया, मैकडोनल्ड्स आज जो सक्सेसफुल है. सो वेंडीज के साथ यही हुआ कि वो सक्सेस नहीं कर पाया उसमें, और मैकडोनल्ड्स ने उस चीज़ को लिवरेज किया. यस, मेजर सेम रहता है ना. यू सी, लाइक अगर आप सबसे सिंपलेस्ट कंज्यूमर मॉडल को देखो, कि कंज्यूमर को जैसे अगर हम कस्टमर फनल की बात करें, तो कस्टमर फनल के अंदर जो ट्रेडिशनल मॉडल हमेशा से रहा है, दैट इज़ द आइडा मॉडल. आइडा दैट इज यू हैव टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर द प्रोडक्ट, जो मामाअर्थ ने स्टार्टिंग स्टेजेस में किया होगा. देन यू हैव टू क्रिएट एन इंटरेस्ट. अब इंटरेस्ट कैसे क्रिएट होगा? इंटरेस्ट क्रिएट होगा, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओगे कि इसमें अनियन है, उपतन है, वो जो भी अपने वो कीवर्ड्स यूज़ करते हैं ना, ताकि उससे थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होती है. अच्छा अनियन डाल दिया, अच्छा राइस डाल दिया, समथिंग. हाँ, क्यूरियोसिटी एंड समथिंग, मतलब एक जानने की जिज्ञासा जो आपके अंदर जानने होती है. उसके बाद फिर डिज़ायर, फिर एकदम से डिज़ायर आ जाएगा, अब तो ये प्रोडक्ट लेना ही पड़ेगा. वो डिज़ायर कैसे आ सकता है? वो डिज़ायर ऐसे भी आ सकता है, लाइक बड़ी बॉटल में 20% एक्स्ट्रा, एक बॉटल के साथ सैम्पल फ्री. दिस इज़ व्हाट मेनी कंपनीज डू. वो जनरली अपने जो नए प्रोडक्ट्स निकालते हैं ना, उसका मिनिएचर वर्जन ऑफ द सैम्पल फ्री देने लग जाती हैं. उससे एक डिज़ायर जनरेट होता है कि नेक्स्ट टाइम लेट्स बाय द सेम सैम्पल जो आपको मिला था. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द एक्शन स्टेज, जिसमें आप एक्चुअली जाके बाय करोगे. कई लोग इसको आइडास भी बोलते हैं, लास्ट में एक एस लगा देते हैं, विच इज़ द सेटिस्फैक्शन, जो एंड गोल होता है. एक बार परचेज करने के बाद अगर आप सेटिस्फाइड भी हो गए, तो एक तरह से वो कहते हैं ना, जिंदगी सफल हो गई. सो दिस इज़ व्हाट द एंड स्टेज इज़ ऑल्सो. नाउ यू कैन सी समथिंग दैट I have. अगर आप ये आइडिया मॉडल तो आप समझ चुके हो ना, लेट्स कम टू दैट. हाँ, डिजिटल मार्केटिंग के फनल की अगर हम बात करें, या डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में अगर हम मार्केटिंग फनल की बात करें, सो थोड़ा सा इसको ट्वीक किया जाता है, थोड़ा सा इसको चेंज किया जाता है. वेयर वी हैव अ रियन मॉडल. अब ये रियन का मतलब क्या है? पहले आप रियन समझ लो, देन आई विल एक्सप्लेन दैट पी, वो पी कहाँ से आया. सो रियन के अंदर फर्स्ट आर स्टैंड्स फॉर रीच. वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग. ट्रेडिशनल मार्केटिंग तो चली रही है, बट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग इन डिजिटल कॉन्टेक्स्ट, तो सबसे जरूरी है कि हम कंज्यूमर्स को रीच आउट कर सके. और रीच आउट करने का मतलब क्या है? डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, डिफरेंट डिजिटल स्ट्रैटेजीज, डिफरेंट डिजिटल रिसोर्सेज के थ्रू आप कस्टमर्स तक पहुँच रहे हो. अब वो सोर्सेज क्या हो सकते हैं? दे कुड बी सोशल मीडिया, दे कुड बी योर वेबसाइट, दे कुड बी डिफरेंट थर्ड पार्टी वेबसाइट जिसके थ्रू आप कंज्यूमर्स को रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हो. एडवर्टीजमेंट भी आती है. वो एडवर्टाइजिंग आप कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करोगे, दैट इज योर चॉइस. दैट इज रीचिंग द कस्टमर, ऑर्गेनिक एंड पेड. तो वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे. देन वी हैव एंगेज. एंगेज करना कस्टमर्स को, दैट दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट योर ब्रांड, दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट हैविंग डिस्कशंस. और ये एंगेजमेंट कहाँ हो सकती है? द बेस्ट सोर्स ऑफ हैविंग एंगेजमेंट इज इन द रिव्यूज एंड द कमेंट सेक्शन. क्योंकि कमेंट सेक्शन और रिव्यू सेक्शन ऐसा है जिसमें ब्रांड और द कंपनी विल टॉक लेस and people are talking more, जिसमें वो reviews नहीं आते. जैसे I don't know if you people are like that or not, how many people have actually bought any product on the basis of the recommendations जो उन्होंने internet पर देखे थे. You see, so एक बहुत अच्छा source होता है recommendation. जैसे अगर मैं suppose कोई जूता buy कर रही हूँ, कहीं ना कहीं subconsciously ना मेरे mind में आता है, यार अगर किसी और ने भी लिया है और उसने 5-star दिया है, तो मेरा एक ना इंक्लिनेशन टू बाय द सेम प्रोडक्ट इज हायर देन अगर मुझे उसी के लिए ना रेटिंग बहुत बैड दिखे. उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी होता है. तो तुम पता क्या करते हो, अगर ये कन्फ्यूजन की जो स्टेट आती है जिसमें यू हैव गुड ऑल्सो बैड ऑल्सो, तो आप एवरेजेस लगाते हो. ये एवरेज, जैसे आपने 10 लोगों के रिव्यूज चेक किए और 10 में से 8 अच्छा बोले, 7 अच्छा बोले, यू थिंक ठीक है यार 7 तो बोल ही रहे हैं. वो ह्यूमन माइंड जैसे होता है ना, हम एवरेजेस पे चले जाते हैं, लॉ ऑफ एवरेजेस में चले जाते हैं. वो पेड है, एग्जैक्टली वो वाली. वो टारगेटिंग
वो टारगेटिंग होती रहती है। हाँ बोलो बच्चे। वो उसी पे मैं आ रही थी, जैसे वो पेड रिव्यूज़ की जो बात होती है, तो पहले एंगेजमेंट करने के लिए रिव्यूज़ बहुत ज़रूरी है। और ये रिव्यूज़ क्योंकि इम्पॉर्टेंट थे, दैट इज़ व्हाई मेनी कंपनीज हैव नाउ स्टार्टेड इन्वॉल्विंग अनएथिकली इन पेड रिव्यूज़। तो वो क्योंकि वी हैव अ गुड पीपल, वी हैव अ गुड सेट ऑफ पीपल जो बेसिकली पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो वो पैसे के लिए कुछ भी करने का मतलब क्या है, 50 रुपये का एक रिव्यू लिख दिया, 20 रुपये का एक रिव्यू लिख दिया, एंड दैट इज़ हाउ दे आर जनरेटिंग। और वो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नाम से, डिफरेंट डिफरेंट यूज़र आईडी से कमेंट्स लिखते जाते हैं, और इसके बदले उन्हें पैसा मिलता जाता है, पीपल गेट पेड फॉर इट। ये एक तरह से इसको ना फिल्टरिंग करने के लिए हुआ है, कि पहले क्या हो रहा था, ऐसे कोई भी लिख ही जा रहा था। अब बिकॉज इस पर अनएथिकल इशू बन गया ना, अब एक क्वेश्चनेबल इशू हो गया है कि ऐसे कैसे कोई भी लिख सकता है, और दिस इज़ क्रिएटिंग अ गुड इमेज ऑफ द ब्रांड और द प्रोडक्ट। तो इसीलिए अब ये चीज़ शुरू करी है कि ओनली दोज पीपल हु एक्चुअली परचेज, हु एक्चुअली गो थ्रू दैट एंटायर साइकिल विल बी एक्चुअली एलिजिबल टू दैट। तो उसके लिए वो पता क्या करते होंगे, आई हैव मतलब वही है ना, हमारे यहाँ पे कानून बनता है, कानून तोड़ने के तरीके हम पहले सीख जाते हैं। तो लोग क्या करते होंगे, ऑर्डर करते होंगे और फिर रिटर्न कर देते होंगे, बिकॉज मेनी कंपनीज हैव ईजी रिटर्न पॉलिसीज। और ये भी बहुत ज़रूरी है, ईजी रिटर्न नहीं होंगे तो ऑनलाइन शॉपिंग देख लेना 2 दिन में बंद हो जाएगी, बिकॉज ईजी रिटर्न्स हैं, दैट इज़ हाउ मेनी ऑफ द पीपल आर एक्चुअली ओके, ऑर्डर कर लेते, नहीं पसंद आया तो क्या करेंगे, वापस कर देंगे, दिस इज़ वॉट देयर आर्ग्यूमेंट इज। इन ब्रांड का परचेज, इन ब्रांड का दोबारा बोलो। उसके लिए एक इंसान अपना दिमाग भी यूज़ करता है, लाइक आप ऑनलाइन तो ज़रूर जाओगे, ऑनलाइन एंगेजमेंट पे तो डिफेंड ज़रूर करोगे, साथ में बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड वी आर, हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग से निकल के आए हैं, तो हमारी एक आदत होती है, हम अपने फ्रेंड्स के साथ डायलॉग एंड डिस्कशन ज़रूर करते हैं, और वो फ्रेंड्स रियल वाले फ्रेंड्स हैं, एक मेट्रो फ्रेंड हो गया या आपका कॉफ़ी फ्रेंड हो गया, तो आप उससे ज़रूर पूछोगे, यार मैंने वो ऑनलाइन पे ये जूता देखा और इसकी रेटिंग बहुत अच्छी थी, तू बता। अगर आपको वो आपका फ्रेंड भी एक तरह से वैलिडेशन दे देगा ना, आपके परचेज करने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और अगर उसने आपको एक तरह से क्रॉस वैलिडेट कर दिया, आपको एग्रीमेंट नहीं दिया, तो आपके वही लेने के चांसेस कम हो जाएंगे, अनटिल अनलेस यू गेट अ गुड पफ। तो वो गुड पफ क्या हो सकता है, सडनली नेक्स्ट टाइम आप जब ऑनलाइन जा रहे हो तो आपको उसी प्रोडक्ट के ऊपर 50% ऑफ वाला वो जो ऑफर दिख जाए, तो फिर तो वो आपका ना नियत ही ख़राब हो जाएगी वो देखने के बाद। तो वही चीज़ है कि हम वैलिडेशन ढूंढते हैं, हम अपने पापा से बात करते हैं, हम अपनी मम्मी से बात करते हैं, या अपने फ्रेंड से बात करते हैं, बिकॉज यू पीपल आर मोर क्लोज टू योर फ्रेंड्स एंड वट एवर जनरेशन यू हैव, योर इंस्टाग्राम फ्रेंड हो सकता है, कोई भी फ्रेंड हो सकता है, उनकी वैलिडेशन देखते हैं, और उनकी वैलिडेशन के बाद भी हम बाय करने की कोशिश करते हैं। बट बिकॉज ये प्रोसेस इतना आसान है ना, कई बार तो लोग इतने झंझट में नहीं जाते, वो 2-4 रिव्यूज़ देखने के बाद डिसाइड ही कर लेते हैं यही लेना है, दिस इज़ वॉट हैपन, यही लेना है। और जब आपका ये लेना वाला जो सिचुएशन अगर डाइसी है ना, कि अभी नहीं लेना, मतलब आप उसको ऐड भी कर रहे हो, फिर डिलीट भी कर रहे हो, ऐड भी कर रहे हो, डिलीट भी कर रहे हो, ब्रांड समझ जाती है पीछे से, ब्रांड फिर आएगी नेक्स्ट टाइम एक्टिवेट करने के लिए आपको। थर्ड स्टेप जो है एक्टिवेट कैसे करेगी, फ्लैश 10% ऑफ, ऑर्डर नाउ इन 1 आवर, यू सी, वो आपकी एक्टिवेटिंग सेंस हो जाएगी। मतलब एक तो चीज़ होगी, हाँ, एक्सक्लूसिव ऑफर्स फॉर यू, यार कूपन ऑन फर्स्ट परचेज एंड कूपन ऑन, मतलब कूपन ऑन सेकंड परचेज ऑल्सो, मतलब वो आपको अभी के लिए तो टेम्प्ट कर ही रहे हैं, और साथ में सेकंड परचेज के लिए भी बोल रहे हैं कि जब आप सेकंड खरीदोगे ना, तब भी उस पर 20% ऑफ मिलेगा। सो वो एक्टिवेट हो गया, फ्री दे देते हैं, एग्जैक्टली, फिर हर महीने वो कटते रहते हैं। ये डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही तो है, दिस इज व्हाट यूट्यूब इज ऑल्सो डू, क्या क्या रीमार्केटिंग भी कह सकते हो, बट दिस इज़ हाउ दे एक्चुअली क्रिएट एक्टिवेट कंज्यूमर्स। एंड ये सिर्फ स्पॉटिफाई ही नहीं करता, ये बहुत सारी ऑनलाइन सर्विसेज जैसे ग्रामरली वगैरह होती है ना, वो भी मोस्ट ऑफ देम ट्रायल देंगे 7 दिन का, स्पेशली जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं उसमें तो 7-14 दिन के ट्रायल्स मिलते हैं, और उसके बाद वंस यू एंटर योर डिटेल्स यू आर स्टक विद इट फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। OTTs, Netflix यही तो कर रहे हैं, Netflix इज ओनली यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी टू क्रिएट मोर एंड मोर ऑफ इट्स यूजर ऑडियंसेस। पर
बट वही है ना कि स्कैम करने के लिए यू नीड अ वेरी आउट ऑफ द बॉक्स, जो मतलब नॉर्मल ऑडियंस है. यू आर लकी दैट यू हैव दोज पीपल, बट जनरली बहुत लोग. तभी नेटफ्लिक्स कहता है दैट इन इंडिया गेटिंग अ डेडिकेटेड ऑडियंस इज अ चैलेंज, एंड ये मैं मानती हूँ डिफरेंट ब्रांच के लिए बहुत चैलेंज है. ये तो हर जगह है, ये पकड़े नहीं जाते हम. सी मैं एक बात बताती हूँ, द ओनली प्रॉब्लम इज दैट लीगल एस्पेक्ट जो डिजिटल मार्केटिंग या ये ऑनलाइन सर्विसेज के साथ एसोसिएटेड है ना, ये थोड़े अभी वीकर हैं, इतने स्ट्रांग नहीं है ये सारी चीज़ें. जैसे अब डीप फेक वीडियोज़ है, किसी और की वीडियो बना के वो बनाना, ये भी तो क्राइम है. जैसे अभी मैं न्यूज़ में ही पढ़ रही थी हाल ही में, आजकल डीप फेक वीडियोज़ बहुत ज़्यादा डिबेट में रही है ना. सो इट वॉज रिटन ओवर देयर कि 1,00,000 रुपये का फाइन है, 3 साल की सज़ा है, बट पीपल आर डूइंग इट ना. हाँ, दिस इज वॉट एक्चुअली पीपल डू. डोमेन नेम सर्वर ही कहीं और का वो यूज़ करते हैं, IP एड्रेस ट्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. यू अंडरस्टैंड दैट ना कि लॉ तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे पेनल्टीज हैं, जैसे चाइल्ड रिलेटेड जो वीडियोज नहीं होती, जैसे बच्चों को मारने पीटने की जो वीडियोज होती है, अगर आप ऑनलाइन सर्कुलेट कर रहे हो, इनके लिए एक बहुत हेफ्टी क्राइम होता है चिल्ड्रंस एक्ट में, चिल्ड्रंस लॉ में, बट पीपल आर डूइंग इट ना. सो पॉइंट ये नहीं है कि लॉज एग्जिस्ट नहीं कर रहे, देर इज़ अ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000, प्रॉपर IT एक्ट एग्जिस्ट करती है इंडिया की, और उसमें एक गुड सेट ऑफ लिस्ट दी हुई है हर क्राइम के अगेंस्ट कितना पेनल्टी लगेगा, कितना फाइन लगेगा, कितनी सज़ा होगी. बट द ओनली थिंग इज दैट लोगों को पता नहीं, ऐसी वाली बात भी नहीं है, तुम में से बहुत लोग ग्रेजुएशन में शायद वो पढ़ के आए होंगे, लॉ के अंदर होता है वो एक्ट, बट द थिंग इज दैट हर लॉ का लूप होल निकालने के लिए वी हैव सो मेनी जीनियसेस अमंगस्ट अस. Anybody can do it anywhere. It is not only in India. Anybody can. वही ना, hackers exist इसीलिए कर पाते हैं, because we have something called a security code. तो उसको break करने के लिए बहुत लोग हैं. अच्छा, next we have activate. Activate के अंदर I give you one example, जिसमें generally वो coupons, आपको lucrative offers देते हैं, ताकि customer का जो वो sensation है, जो वो tinge है buying करने का, वो बिल्कुल से activated हो जाए. And last but not the least, nurture. जब फाइनली कस्टमर ने बाय कर लिया है, आपको उसे नर्चर करना है. नर्चर करने का मतलब है यू हैव टू कीप द कस्टमर इन द लूप अगेन. तो ये नहीं कि एक बार आपने कस्टमर को एक्वायर कर लिया तो आप उसको चलो अच्छा टाटा बाय बाय, दोबारा आपकी ज़रूरत नहीं है. यू हैव टू कीप द सेम कस्टमर इन द लूप, दैट इज़ यू हैव टू कीप ऑन री मार्केटिंग, जो आप वर्ड यूज़ कर रहे थे, री एडवर्टाइजिंग, री टारगेटिंग टू सेम ऑडियंस, सो दैट दे कीप ऑन बाइंग एंड बाइंग फ्रॉम योर वेबसाइट. सो दिस वॉज द ट्रेडिशनली डिजिटल मार्केटिंग का आप कह सकते हो फनल, विच इज़ द रियन फनल. रियन के अंदर हमने एक पी वर्ड ऐड किया था, सो इट बिकेम द पी रियन, एंड वॉट डज दैट पी स्टैंड फॉर? प्लानिंग. सो ये नोटिस किया गया है कि बिफोर वी स्टार्ट द रीच प्रोग्राम, हम एक तरह से कस्टमर्स को रीच करने से पहले, इट्स बेटर दैट वी प्लान ऑल दी एक्टिविटीज़. तो वो प्लानिंग स्ट्रैटेजी का एलिमेंट बहुत ज़रूरी होता है. दैट इज़ वाई वी हैव द डिजिटल मार्केटिंग फनल, जिसका है पी रियन. पी स्टैंड फॉर प्लानिंग, आर स्टैंड फॉर रीच, ई स्टैंड फॉर एंगेज, आई मीन ए स्टैंड फॉर एक्टिवेशन, एंड लास्ट एन स्टैंड फॉर नर्चरिंग. ये पता होना चाहिए. And next slide is actually showing you how the digital marketing funnel is linked to the consumer funnel या customer funnel. तो आप देख सकते हो जो सबसे पहली strategy है P, that is plan, is linked with the intent. तो अगर आपको वो consumer buying behavior याद है, उसमें first step क्या था? Consumer buying behavior में first step क्या था? कस्टमर खरीदने से पहले, मतलब कस्टमर का पूरा जो खरीदने की साइकिल है, खरीदने का जो प्रोसेस था, उसमें व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? नीड आइडेंटिफिकेशन करना. नीड आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या? इंटेंट. कस्टमर की नीयत तो होनी चाहिए ना बिफोर एक्चुअली गोज इनटू बाइंग. मैंने एग्जांपल्स भी दिए थे, मैंने कहा एक्सरे मशीन फ्री में दे दूँ,
फ्लैट 100 रुपीज में दे दूँ या फ्लैट 50% ऑफ में दे दूँ, कोई नहीं खरीदेगा बिकॉज नोबडी इज हैविंग द इंटेंट. तो जो प्लानिंग स्टेज है मार्केटिंग फनल के अंदर, वो कंज्यूमर फनल के अंदर किसके साथ कॉरेस्पॉन्ड करती है? कंज्यूमर की इंटेंट के साथ. देन वी हैव द रीच स्टेज. रीच स्टेज में आप देख सकते हो एग्जांपल्स भी गिवन है. जैसे आप कंज्यूमर्स को रीच कैसे कर सकते हो? थ्रू SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग. यू हैव सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, पेपर क्लिक जो आप बोल रहे थे, पेड मार्केटिंग जैसे हो गया, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, साइट स्पॉन्सरशिप्स, एफिलिएट मार्केटिंग, सोशल सेल्स प्रमोशंस. ये डिफरेंट तरीके हैं जिससे आप कंज्यूमर्स को रीच कर सकते हो. एंड दीज आर व्हाट द थिंग्स दैट वी विल बी लर्निंग ओवर दिस यूनिट. देन रीच स्टेज किसके साथ कॉरेस्पॉन्ड करती है? अवेयरनेस. जैसे जैसे आप कंज्यूमर के पास पहुंचोगे, मे बी पेड मार्केटिंग से पहुंचोगे, मे बी डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग से पहुंचोगे, कंज्यूमर के लिए वो क्या हो रहा है? अवेयरनेस क्रिएट हो रही है. कंज्यूमर जब जब आपके एड को देख रहा है, कंज्यूमर जब जब सर्च इंजन में आपके वो सर्च के ऑप्शन को देख रहा है, कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट के बारे में और ज़्यादा क्या होता जा रहा है? अवेयर होता जा रहा है. चार लोग आपके प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट्स को ओवर नाइट देखते रहेंगे. ब्रांड अवेयरनेस बढ़ती जाएगी. दिस इज व्हाट. अब देखो ना अवेयरनेस का, देखो जैसे मैंने अभी क्लास में मैट एग्जांपल की बात करी. सो मैट कुछ ऐसा नहीं था जो मैं सोच के आई थी घर से कि मैं मैट पेपर के बारे में यहाँ बात करूँगी, बट जस्ट बिकॉज आई सॉ दी एडवर्टाइजमेंट ऑन माई वे टू दिस कॉलेज, सो दैट इज हाउ आई एम यूजिंग दैट थिंग. सो माई अवेयरनेस जनरेटेड बिकॉज ऑफ सीइंग दैट एडवर्टाइजमेंट. और जब जब मैं जितना ज़्यादा देखती जाऊँगी, मेरी अवेयरनेस उसके बारे में और ज़्यादा डीपन होती जाएगी. अभी हो सकता है मैंने एक फ्लैश एडवर्टाइजमेंट देखा हो, धीरे धीरे वो फ्लैश एडवर्टाइजमेंट ना बड़ा होता जाता है. जैसे पहले सिर्फ नाम फ्लैश होता है, धीरे धीरे नाम के साथ टैगलाइन आएगी, फिर टैगलाइन के साथ प्रोडक्ट के फीचर्स भी आते जाएंगे. दिस इज हाउ अवेयरनेस कीप्स ऑन राइजिंग. देन एंगेजमेंट के लिए वॉट यू कैन डू, एंगेजमेंट के लिए यू कैन हैव कस्टमाइजेशन ऑप्शंस. लाइक कस्टमाइज करो उस प्रोडक्ट को, कस्टमाइज करो एड्स को, कस्टमाइज करो डिफरेंट कैटेगरीज को कंज्यूमर के अकॉर्डिंग. देन यू कैन हैव इंटरैक्शंस, जो मैं एंगेजमेंट में बता रही थी ना, लाइक कमेंट्स, रिव्यूज, वो सारा इंटरैक्शंस में आ जाता है. इसके अलावा यू कैन हैव स्पेसिफिक एप्स. तो एप्स नहीं होती जैसे जनरली, अगर आपको कुछ बहुत ज़्यादा, जैसे स्पॉटिफाई का एग्जाम्पल लिया, अगर आपको वो यूट्यूब पे वो म्यूजिक एक्सपीरियंस अच्छा नहीं लग रहा, सो दैट इज़ वाई यू आर गोइंग टू स्पॉटिफाई. स्पॉटिफाई जब अपने स्टार्टिंग एड्स करता था जिसमें दीपिका पाडुकोन आती थी, तो वो क्या बोलती थी? यू कैन हैव कस्टमाइज्ड प्लेलिस्ट एज पर योर इंटरेस्ट. सो वो कस्टमाइजेशन का ऑप्शन क्रिएट करना, स्पेसिफिक एप्स क्रिएट करना, दैट विल बी ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एंगेजमेंट. एंड देन सम प्रीमियमाइजेशन देना. कई कस्टमर्स को होता है ना वेट वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको कोई डिले लैग्स पसंद नहीं है, तो उनको वो प्रीमियम चीज़ देना. जैसे यूट्यूब पे होता है दैट यू पे सम फीस एंड यू गेट द कंटेंट विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट्स, सो दैट विल ऑल्सो बी कमिंग अंडर द एंगेजमेंट. एंगेजमेंट किसके साथ रिलेट करता है? इंटरेस्ट के साथ. आप जितना कंज्यूमर के साथ एंगेजमेंट करोगे, जितना कंज्यूमर के साथ बातचीत करोगे, उतना कंज्यूमर का इंटरेस्ट फॉर दी ब्रांड, फॉर दी प्रोडक्ट विल राइज एंड राइज. देन वी कम टू एक्टिवेट. अब एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रीटारगेटिंग, रीमार्केटिंग विल कम अंडर दिस. सोशल मीडिया मैसेजेस, ईमेल्स, वो ईमेल स्ट्रिप्स नहीं आते रहते, डिफरेंट ईमेल्स, यू कीप ऑन गेटिंग दोज ईमेल्स, कॉन्स्टेंट रिमाइंडर्स एंड ऑल दैट. जो ये एक्टिवेशन है ये रिलेटेड होता है विद द एक्शन स्टेज, कि कंज्यूमर अब एक्चुअली फाइनली क्या करेगा, जाके एक्टिवेट करेगा, फाइनली बाय करेगा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नर्चरिंग जो है, जिसमें आप फीडबैक्स लेते हो, जिसमें आप बेसिकली लॉयल्स बनाने की कोशिश करते हो, दिस विल बी एक्चुअली विद द फॉलोइंग स्टेज, यस, सेटिस्फैक्शन स्टेज. सो द मोर द कस्टमर विल बी सेटिस्फाइड, द मोर द कस्टमर विल बिकम द ब्रांड फॉलोअर. और मार्केटिंग की डेफिनेशन में उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रांड लॉयलिस्ट या ब्रांड का लॉयल. सो अगर ये क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग फनल, यू नीड टू ड्रॉ दिस डायग्राम. बिना डायग्राम के मार्क्स नहीं मिलेंगे. दिस इज समथिंग रिलेटेड टू योर GPA वाला मिशन. तो अगर आपका मिशन है आपको GPA अच्छा करना है, तो यू नीड टू ड्रॉ दिस डायग्राम. भले ये सारी सब स्ट्रैटेजीज मत लिखो, बट एटलीस्ट कीवर्ड्स तो जरूर लिखना, सो दैट यू कैन फेच गुड मार्क्स. नाउ नेक्स्ट कम टू डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जो हम ओवर दिस यूनिट करने वाले हैं. वी विल बी डूइंग कंटेंट मार्केटिंग. आई थिंक कंटेंट मार्केटिंग हम यूनिट 5 में कवर करेंगे, इस यूनिट में नहीं करेंगे, क्योंकि यूनिट 5 के अंदर भी कंटेंट मार्केटिंग है. देन वी हैव समथिंग इंटेंट बेस्ड मार्केटिंग. इंटेंट बेस्ड मार्केटिंग हम कवर करेंगे सर्च मार्केटिंग में, जो सर्च और पेपर क्लिक होगा उसमें हम करेंगे. ब्रांड मार्केटिंग अलग से नहीं करना, बट हाँ डिफरेंट ब्रांड्स के जब हम एग्जाम्पल करेंगे, दैट विल बी टच्ड अपॉन देयर. देन वी हैव कम्युनिटी बेस्ड मार्केटिंग इज नथिंग बट सोशल मीडिया मार्केटिंग. तो सोशल मीडिया इज अ कम्युनिटी ऑफ पीपल.
पीपल, हम यही बोलते हैं ना. सो कम्युनिटी बेस्ड मार्केटिंग इज जिसमें हम सोशल मीडिया डिफरेंट साइट्स वगैरह के एग्जांपल्स के साथ बात करेंगे. पार्टनर मार्केटिंग इज एफिलिएट मार्केटिंग. आई थिंक दिस विल बी ऑल्सो कवर्ड इन यूनिट 5. यूनिट 5 में ना छोटे छोटे सब टॉपिक्स करने हैं जो लाइक शॉर्ट नोट्स के लिए आएंगे. सो आई थिंक दैट विल बी कवर्ड ओवर देयर. देन वी हैव कम्युनिकेशन चैनल मार्केटिंग. कम्युनिकेशन चैनल मार्केटिंग इज नथिंग, डिफरेंट चैनल्स जैसे ट्रेड पार्टनर्स वगैरह के लिए क्या चैनल्स होते हैं, तो उसको हम सब स्ट्रैटेजी, हमने कुछ पार्ट उसका कवर किया है मार्केटिंग मिक्स में, कुछ हम यहाँ पर भी इस यूनिट के अंदर कवर करेंगे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लेटफॉर्म बेस्ड, उसमें आपकी पर्सनलाइज्ड एप्स आ गई या कोई पर्सनलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स आ गए, वो हम इसी यूनिट में कवर करेंगे. सो दीज आर व्हाट डिफरेंट टॉपिक्स विल बी कवरिंग. कुछ टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर किया है थोड़ा थोड़ा बिट्स एंड पार्ट्स में, कुछ हम इस यूनिट में करेंगे और कुछ हम यूनिट 5 में करेंगे. देन वी कम टू द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी. एक स्ट्रैटेजी हमने करी डिजिटल मार्केटिंग फनल, अब हम दूसरी स्ट्रैटेजी करें विच इज़ द डिजिटल स्वॉट एनालिसिस. डी स्वॉट भी बोला जाता है इसको. सो स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? स्वॉट एनालिसिस द एनालिसिस जिसमें हम किसी भी ब्रांड, किसी भी कंपनी के लिए या किसी भी प्रोडक्ट के लिए, इवन आजकल तो लोग इंडिविजुअल्स भी अपना स्वॉट एनालिसिस करते हैं. डिफरेंट इंडिविजुअल्स डू द स्वॉट एनालिसिस ऑफ देयर ओन सेल्फ. सो वॉट इज अ स्वॉट एनालिसिस? स्वॉट स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. So we have different strengths, weaknesses, opportunities and threats. Now my question to you is that strengths, weakness, opportunities, threats, क्या ये सारे external होते हैं या internal होते हैं? That is my next question. बताओ. Both. Internal होते हैं? सारे चारों internal? कुछ internal होते हैं. Yes, exactly. बेसिकली स्वॉट एनालिसिस आया कहाँ से, इसका कंसेप्शन कहाँ से हुआ? इसका कंसेप्शन हुआ जब बिजनेसेस को अंडरस्टैंड हुआ कि वी आर ऑपरेटिंग इन एन एनवायरनमेंट, एंड एनवायरनमेंट कभी भी 100% हमारे कंट्रोल में नहीं होता. आई कैन गिव यू अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन दिस थिंग. जब आप एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे होते थे, स्पेशली जस्ट इमेजिन योर बोर्ड एग्जाम वाला सिचुएशन जो होता था. बोर्ड एग्जाम सिचुएशन में आप अपने घर वालों के ऊपर तो कंट्रोल कर सकते थे, पापा आवाज़ कम कर दो, मम्मी शोर बहुत हो रहा है, मशीन मत लगाओ. यू अंडरस्टैंड दैट इंटरनल होम एनवायरनमेंट वाज इन योर कंट्रोल, एवरीबॉडी वाज एक्चुअली फंक्शनिंग एज पर योर इंटरेस्ट एंड वर्क. बट व्हाट अबाउट द चिल्ड्रन फ्रॉम द सोसाइटी? क्या उनका क्रिकेट खेलना भी बंद करवा देते थे? चलो मेरे बोर्ड के एग्जाम है, बंद करो, कोई क्रिकेट नहीं खेलेगा. क्या अगर आपके पड़ोसी के घर में शादी हो रही है तो उसका डीजे रुकवा देते थे? यू सी दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. कुछ चीज़ें हमेशा हमारे इंटरनली कंट्रोल में होती हैं और कुछ चीज़ें कभी भी हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकती. दिस इज़ व्हाट अ बिजनेस ऑल्सो फेसेस. बिजनेस की कुछ इन्वायरमेंट जो उसके कंट्रोल में है, दैट इज़ द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस, जैसे बिजनेस जैसा चाहे चला सकता है. अब व्हाट इज़ द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस? बिजनेस के खुद के इम्प्लॉयज, बिजनेस की खुद की पॉलिसीज, बिजनेस की खुद की प्लानिंग, बिजनेस की खुद की स्ट्रैटेजीज, ये सारी चीज़ें तो बिजनेस खुद मैनेज कर सकता है, अपने कंट्रोल में रख सकता है. बट देन व्हाट अबाउट दोज पीपल जो बिजनेस के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, लाइक सप्लायर्स, लाइक कंज्यूमर्स, लाइक बैंक फाइनेंसर्स? सो उनको तो आप ये नहीं बोल सकते ना, बैंकर को तो नहीं बोल सकते ना कि देखो आजकल मेरे पास पैसे की तंगी है, तुम्हें काम करो, इंटरेस्ट रेट ना माफ़ी कर दो. Have you seen anybody doing that? Bank ज़रूर आपका खाता ज़रूर block कर देगा, forget about the interest rate. So this is what I'm talking about. That certain things are in your control and certain things are never in your control. So SWOT analysis both internal and external factors को study करता है. उसमें से internal क्या होते हैं? Your own strengths and your own weaknesses. A very important question which you can also expect in an interview panel also. बहुत इंटरव्यूज़ के अंदर जो स्पेशली स्ट्रेस इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ या व्हाट इज़ योर वीकनेस? एंड आई कैन गिव यू 90% ऑफ द पीपल गिव एन एग्जांपल स्ट्रेंथ का, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, मैं बहुत कंसिस्टेंट हूँ, मैं बहुत टाइमली हूँ, मैं बहुत पंचुअल हूँ, मैं बहुत डिसिप्लिन हूँ. एंड दिस इज नॉट द आंसर दैट दे आर एक्सपेक्टिंग एंड टेलिंग यू दैट. हर कोई यही बोलेगा मैं मेहनती हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता. यू अंडरस्टैंड दैट? बट दिस इज नॉट समथिंग दैट कैन लैंड यू अ गुड जॉब. So you need to think about this is a homework, your life homework. Mission दे रही हूँ मैं आपको कि इस answer पर workout करो, क्योंकि ये make or break answer हो सकता है for your selection. Similarly, people ask about your weaknesses, that what is your biggest weakness? और उसमें कई लोग बहुत honestly बता देते हैं, like मैं चिल्लाता हूँ, मैं anger issues है. एक्चुअली वो एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है आपको ना सेलेक्ट करने का. आप इंटरव्यू पैनल के सामने एडमिट कर रहे हो कि आप चीख चिल्लाक करते हो या आप रोने लग जाते हो. So why will the company hire you? मैन्यूपुलेट. ओके,
स्ट्रेंथ में भी यही बोला था, वीकनेस में भी यही बोला था? ठीक है, ये आंसर अच्छा था, जिस पर समथिंग मतलब जो इम्प्रेस कर सकता है, बट जनरली बहुत लोग होते हैं जो इसमें ना भावनाओं में बह जाते हैं, बिकॉज वीकनेस पूछ ली ना, एंड दे एक्चुअली ऑनेस्टली टेल दैट मेरा इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है, लाइक एक लड़ाई के बाद मुझे चीखने के लिए वॉशरूम जाना पड़ता है, यू अंडरस्टैंड दोज काइंड ऑफ थिंग्स, सो इफ़ यू आंसर इट इन दैट वे, तुम्हारे सिलेक्शन होने के चांसेस वहीं तुमने अपने आप ही बंद कर दिए, सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, बिकॉज इंटरनल मैटर है स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, वर्क आउट दिस, ये होमवर्क है तुम लोगों का अपनी लाइफ के लिए, कि किसी भी इंटरव्यू में बैठो तो अगर ये क्वेश्चन आया तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड विद एन आंसर। ओके ओके बट दे हैड दैट यूनिक मतलब आइडिया ऑफ डूइंग इट ना, सो वो आइडिया कैचिंग था ना, जैसे उसमें भी हाँ कर सकते हैं, दिस इज व्हाट मेनी कंपनीज डू ना, ये जैसे तुमने जो एग्जांपल दिया एफएमसीजी कंपनीज में तो ये बहुत कॉमन है, कोलगेट अपनी स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बताएगा, कोलगेट बताएगा पेप्सोडेंट में क्या कमी है, पेप्सी और कोला में बहुत चलता है, हाँ डंडिया क्यों यूज़ कर रहे हो, हाँ हाँ हम लोगों का पेस्ट यूज़ कर, अब वो वापस उसी पे आ रहे हैं, बिकॉज बाबा रामदेव हैज़ डन दैट ना, बाबा रामदेव ने वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जिसमें वो सारा मुलेठी है एंड ऑल दैट, वो बहुत सारी चीज़ें ना फेवरेबली देखने लग गए हैं, चारकोल कभी सुना है मुँह में कोई चारकोल डालेगा, चारकोल देखना भी पसंद नहीं होता, एंड देन ब्रांड्स आर सेलिंग इट टू यू इन अ गुड बॉटल, दैट टू वो 100 रुपए की बॉटल होगी, वो भी तुम खरीद के आ रहे हो, और वैसे कोई चारकोल मुँह में डालने के लिए बोले तुम आई थिंक कभी उसको शक्ल भी नहीं देखोगे, और कहोगे आज तेरा मेरा रिश्ता ही खत्म, की तो कैसी बातें कर रहा है, सो दिस इज व्हाट ब्रांड्स आर डूइंग, नमक वाली बात जैसे तुम कह रहे हो, कॉट ये जो वो क्यों हो रहा, सोचो ना वाई वी आर डूइंग दैट, बिकॉज मैनी वो कहते हैं ना थीम थीम के लिए, सो अब वो उसको एक थीम आइटम बना दिया, जो हमारे यहाँ पे एक मतलब नॉर्मल ड्यूरेबल आइटम था, घरों में रखा जाता था एज अ फर्नीचर, ड्यूरेबल फर्नीचर, उसको उन्होंने क्या बना दिया, एक थी एंटीक, हाँ तो किसी चीज़ के साथ भी एंटीक कर दो उसकी वैल्यू वहीं बढ़ जाती है ना, प्रीमियमाइजेशन हो जाता है, दैट इज़ देयर वे ऑफ सेलिंग, उनको समझ नहीं आएगा ना कि ड्यूरेबल है, उनको तो कुछ ऐसा चाहिए जो थोड़ा सा फैंसी लगे, ल्यूक्रेटिव लगे, तो देयर वे ऑफ सेलिंग, लाइक मारुति 800, आई हैव सीन मेनी पीपल हैविंग मतलब अभी भी मारुति 800 है, उसको रख रहे हैं, उसका मेंटेनेंस भी कर रहे हैं, एंड द ओनली रीजन इज दैट एंटीक बनाने के लिए, एक ज़माना आएगा जब मारुति जैसे मारुति खुद एज अ ब्रांड उनको एक तरह से ऑनर करेगी कि देखो कितना मतलब इन्होंने हमारी कंपनी के लिए मतलब के पुराना प्रोडक्ट जो रखा हुआ है, शायद मे बी वो 80s वाला मॉडल 90s वाला, इंडिया में अभी नहीं, और इंडिया में सक्सेस भी नहीं हुआ, क्विकर वगैरह ने ट्राई तो किया बट इतना यहाँ पे इतना ये सक्सेस हुआ नहीं, हाँ वो हमारे यहाँ तो कबाड़ी वाले भैया लेके जाते हैं जो भी है ना, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस है, वो बेचते भी नहीं है एग्जैक्टली, वो सिक्के लाइक एलिजाबेथ के टाइप के, वो जो 20 पैसे के जो सिक्के होते हैं, लाइक आई नो माय ग्रैंड पेरेंट्स आल्सो 10 पैसे 20 पैसे के, अब उनकी कोई वैल्यू नहीं है, बट उनकी वैल्यू क्या है, वो एंटीक है, सो दे आर नाउ प्राइसलेस, बिकॉज वो किसी के पास उस टाइम का वो 20 पैसे का सिक्का होगा ही नहीं, हमने तो देखा ही नहीं है, रादर 25 पैसा एक तरह से एक्सटेंट हो चुका है, सो देर आर सम पीपल जो रखते हैं उसको,
5 पैसे एग्जैक्टली आना वाना जो होता है वो। वो तो कुछ लोग करते हैं, स्पेशली दोस्त जो कलेक्टर्स होते हैं वो करते हैं, वो होता है ना जैसे कोई आई डोंट नो व्हाट नंबर्स आर स्पेशल बट यस पीपल डू। दैट्स अ परसेप्शन। ओके नाउ सो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आर इंटरनली डिटरमाइंड बाय अ ब्रांड बाय अ कंपनी एंड थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज Threats and opportunities lies outside the business. तो आपके brand, आपके product, आपके business के बाहर जो lie करता है वो lie करता है आपका opportunities and threats. Now you can see in this analysis, we have SWOT, जहाँ पे strengths and opportunities. You can see strengths और opportunities जिस vertically, जिस column के under है, उस column के ऊपर की heading क्या है? Helpful. तो अगर कोई आपकी खुद की internal strength है और अगर कोई बाहर की एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी है, यू कैन सी इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल स्ट्रेंथ या एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी, ये दोनों चीज़ें ब्रांड के लिए, ये दोनों चीज़ें बिजनेस के लिए क्या है? हेल्पफुल है। मतलब इनके होने की वजह से बिजनेस को एक प्लस पॉइंट मिलेगा, एक लिवरेज मिलेगी। बट यही अगर आपकी कोई इंटरनल वीकनेस है और कोई एक्सटर्नल थ्रेट है तो इसी की वजह से बिजनेस के लिए क्या है? हार्मफुल है। थ्रेट कुड बी एनी थिंग जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आया है, अपॉर्चुनिटी कैन ऑल्सो भी एनी थिंग जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आया है। लाइक सडनली पेटीएम को जो अपॉर्चुनिटी मिली थी वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मिली थी जब सडनली इंडिया में एक दिन अनाउंस हो गया था डीमोनेटाइजेशन। सो वो जूम ऐप सडनली जब COVID-19 आया एंड एवरीथिंग वेंट ऑनलाइन, क्लासेज वेंट ऑनलाइन, वर्क फ्रॉम होम वेंट ओरिजिनल, तो उसकी वजह से जूम ऐप के जो सब्सक्राइबर्स थे, आपने देखा होगा उस टाइम पर डेटा आया होगा, लिवरेज मिला था। सो यू सी इवन गूगल मीट एग्जिस्ट करता था उससे पहले, बट हाउ मेनी पीपल वर एक्चुअली काइंड ऑफ अवेयर अबाउट इट। उसमें गूगल मीट ने जो फीचर्स प्रोवाइड किए लाइक जैम बोर्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें तब आई थी जब एक्चुअली में COVID-19 वॉज एट इट्स पीक एंड ऑनलाइन क्लासेज वर एक्चुअली इन द डिमांड। तो लोगों माइक्रोसॉफ्ट की जो ऐप है ऑनलाइन कल्चर ही, तो उससे पहले ये जो ऐप्स थी ये लोगों को पता थी, बट सिर्फ सेलेक्टिव लोगों को पता थी जो एक्चुअली में शायद उनका यूटिलाइजेशन कर रहे थे, बट टू अदर्स दीज थिंग्स वर नॉट अवेयर। सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। अब वो थ्रेट क्या है? सडनली पीपल, अब जैसे थ्रेट किसके लिए, अब पीपल हैव नाउ स्टार्टेड गोइंग मोर एंड मोर फॉर ऑनलाइन ऑर्डर्स, ऑनलाइन ऑर्डरिंग करना शुरू कर दिया है ना, ये थ्रेट किसके लिए? टू द ट्रेडिशनल पीपल, ट्रेडिशनल किराना वाला। अगर सारे लोग ब्लिंकिट से ही सामान मंगाने लग जाएंगे तो उस बेचारे ट्रेडिशनल किराना वाले के लिए तो एक थ्रेट हो गया ना। सो ये किराना वाले की खुद की कमी की वजह से थ्रेट नहीं हुआ, ये एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से, एक्सटर्नल ट्रेंड की वजह से थ्रेट आया। यस दे आर ONDC, तभी वो आया है कि एक तरह से वो आपने सुना भी होगा, ये एक डिबेट भी बहुत पॉपुलर हुई थी जब ऑनलाइन में ना किसी ने आई थिंक 2 बिल डाले थे, that somebody shared the bill from I think maybe Zomato or maybe somebody shared the bill from ONDC, तो उसमें comparison था ना शायद पूरे 120 या 150 रुपये का फ़र्क था दोनों के ordering cost में, कि Zomato पे 150 रुपये या 200 रुपये ज़्यादा बिल आ रहा था और ONDC पे यही कम आ रहा था। एंड दैट वॉज, यू कैन से दैट वॉज द ONDC की अपॉर्चुनिटी, कि जैसे एक्सटर्नली सोशल मीडिया पे ये पोस्ट वायरल हुआ तो बहुत लोगों ने ना ONDC, जिनको बहुत लोगों को पता नहीं था, उन्होंने ONDC सर्च करना शुरू किया एंड देन दे अंडरस्टूड कि एक ये भी ऑप्शन अवेलेबल है जिसपे एक्चुअली में कॉस्ट आपकी बहुत ज़्यादा कम आती है। तो Zomato वगैरह की अपनी कुछ चार्जेस हैं, कुछ अपनी प्रीमियमाइजेशन कॉस्ट है, तो इसकी वजह से उनके थोड़े से कॉस्ट बढ़ जाते हैं, उनका मुझे नहीं पता क्या पॉलिसी है, वॉट एवर दे हैव। ONDC पे ये नहीं था, दे वर एक्चुअली हैविंग नो फ्रिल्स एसोसिएटेड, तो उनके जो प्राइजेस थे वो कंपैरेटिवली बहुत कम थे। एंड दैट उस टाइम पे एक्चुअली एक डिबेट स्टार्ट हुई थी और बहुत सारे लोगों ने ना अपने ऑनलाइन के बिल्स वर्सेस ONDC के बिल या ऑनलाइन के बिल वर्सेस ट्रेडिशनल बिल्स शेयर करना शुरू कर दिया था, जिससे समझ आना लग गया था लोगों को कि Zomato सिर्फ दिखता सस्ता है, इतना सस्ता है नहीं व्हेन यू आर एक्चुअली ऑर्डरिंग ऑनलाइन। सो दैट वॉज यू कैन से थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी ऑल्सो फॉर डिफरेंट बिजनेसेस। आई थिंक यहाँ पे ये सब उसी का मतलब एग्जाम्पल है कि स्ट्रेंथ्स के अंदर क्या आ सकता है। लाइक अगर हम डिजिटल SWOT की बात करें, सो डिजिटल SWOT इज द SWOT फॉर द डिजिटल मार्केटिंग। सो लेट्स टॉक अबाउट डिजिटल स्ट्रेंथ्स, कुछ एग्जाम्पल्स क्या हो सकता है डिजिटल स्ट्रेंथ्स के लिए। द फर्स्ट स्ट्रेंथ कुड बी, पहली बात तो बताओ स्ट्रेंथ क्या था, इंटरनल या एक्सटर्नल?
इंटरनल. तो इंटरनल स्ट्रेंथ क्या हो सकता है? स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मीडिया प्रेजेंस. कौन सी मीडिया प्रेजेंस? सोशल मीडिया प्रेजेंस या डिजिटल मीडिया प्रेजेंस. तो अगर आप डिजिटल स्वॉट कर रहे हो तो आपकी एक स्ट्रेंथ हो सकती है कि आपकी खुद की एक वेबसाइट है, आपकी खुद का एक सोशल नेटवर्किंग मतलब एक तरह से एक ऐप है, या मे बी आप डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग ऐप्स पे एक्टिव हो. तो अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल, यूट्यूब मतलब यूट्यूब पे आपकी प्रेजेंस है, इंस्टाग्राम पेज एक्टिव है, तो ये सब आपके लिए क्या होगा? आपका स्ट्रेंथ की तरह काम करेगा. देन व्हाट यू कैन हैव? गुड ब्रांड रिकॉल. अब जैसे अगर मैं कोई एक टैगलाइन बोलूं, डर के आगे जीत है, अगर एक ब्रांड रिकॉल अच्छा है तो दैट इज ऑल्सो द स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस. किन्न जो है जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी. हाँ बोलो. किन्न जो है मैं क्या कह रहे थे? एग्जैक्टली, वो फीलिंग सेल कर रहे हैं, वो टॉय सेल कर रहे हैं. सो समथिंग रिलेटेड वो इसलिए सेल कर रहे हैं बिकॉज किड्स एंड टॉयज गो हैंड इन हैंड. एंड पेरेंट्स को क्यों लेना वो पसंद है? क्योंकि आई थिंक उसमें लेस ऑफ चॉकलेट एंड मोर ऑफ मिल्क कुछ को ऐसे पिक्चराइज करता है ना अपने आपको, गुडनेस ऑफ मिल्क वगैरह है. तो पेरेंट्स सोचते चल कोई नहीं, छोटी सी चॉकलेट है, ज़्यादा वो दूध वूध है, वो सस्ता होगा. यस, वो सस्ता होगा. कितने जो है किसके ब्रांड के पैसे है ना, वो ब्रांड लग जाता है, वो मैकडॉनल्ड्स का बर्गर बन जाता है, वो 100 रुपये का हो जाता है. वो नॉर्मल बर्गर होता है शायद वो 30-40 रुपये का मिल जाएगा. वो बहुत प्रोप्राइटरी है, वो शेयर नहीं करते. एग्जैक्टली, वो कहीं आपको मिलेगी नहीं, रेप्लीकेबल नहीं मिलेगी. दैट इज़ व्हाट प्रोप्राइटरी है ना उसका वो. नेक्स्ट वी हैव कस्टमर सेटिस्फैक्शन. अगर आपके पास है फीडबैक है, सोशल मीडिया प्रेजेंस है, ट्रस्ट है, ये सारे आपके इंटरनल स्ट्रेंथ्स हो गए. देन वी कम टू सर्टेन इंटरनल वीकनेसेस. अब वीकनेसेस क्या हो सकती हैं? लाइक हिस्टोरिकल ऑनलाइन जो आपका प्रेजेंस है वो बहुत वीक है. ये जैसे अभी वो बात कर रहा था जूम कॉल के साथ हुआ. जैसे जूम कॉल को एक अपॉर्चुनिटी बाहर से मिल गई तो जूम ने एक लिवरेज लिया. बट अगर आप जूम का पहले का डेटा देखो तो ओरिजिनल प्रेजेंस या उसकी रिकॉल वैल्यू या लोग जो उसको जानते थे वो बिल्कुल ना के बराबर था. तो ये उसकी एक वीकनेस थी कंडक्ट. हाँ, तभी तो वो ज़्यादा पॉपुलर हुआ. बट अगर उससे पहले आप देखो कि क्या जूम की पॉपुलैरिटी थी, क्या जूम के बारे में लोग जानते थे, तो वो बहुत नेग्लिजिबल आएगा. तो दैट मीन्स उसकी खुद की पर्सनल ऑर्गेनिकली जनरेटेड ब्रांड रिकॉल वैल्यू बहुत ही कम थी. देन वी कैन हैव लाइक कोई यूएसपी नहीं है. एक और वीकनेस क्या हो सकती है कि किसी ब्रांड का वो यूएसपी का ना होना. आई कैन गिव यू एन एग्जांपल. मिरिंडा. मिरिंडा की क्या यूएसपी है? मिरिंडा की क्या यूएसपी है? जब तुम्हें इतना सोचना पड़ा तो सोचो ब्रांड की यूएसपी है भी या नहीं है. हाँ, तो फिर फैंटा और मिरिंडा में क्या फ़र्क है? नाउ यू टेल मी. कोक और पेप्सी में तो सब मुझे बता देते हैं फ़र्क. इवन कोक पेप्सी थम्स अप में भी यू कैन डिफ्रेंशिएट. मिरिंडा और फैंटा में आप डिफ्रेंशिएट करके बताओ. अब ये मत बोलो एक कोका कोला की एक पेप्सी की है. दिस आई नो, दिस इज़ नॉट अ यूएसपी, दिस इज समथिंग दैट इज एग्जिस्टिंग. यूएसपी क्या है? कोई यूएसपी है या नहीं पहले तो ये बताओ. हाँ, यू सी दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट मेनी पीपल डू नॉट नो एनी यूनिक सेलिंग पॉइंट डिफरेंस बिटवीन बोथ फैंटा एंड मिरिंडा. उनका वो देखते हैं वो ऑरेंज फ्लेवर है ना, भैया ऑरेंज वाली दे दो. आप कभी नोटिस करना ही है, बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत पिची होते हैं कि उन्हें मिरिंडा ही पीनी है, उन्हें फैंटा ही पीनी है. दिस इज ओनली अगर उन्हें वो ऑरेंज कलर का फ्लेवर पीना है तो वो मिरिंडा भी पी लेंगे, वो फैंटा भी पी लेंगे. बट दिस इज नॉट द सेम फॉर द पीपल हैविंग माउंटेन ड्यू प्रेफरेंस, हैविंग कोक प्रेफरेंस और हैविंग अ थम्स अप प्रेफरेंस. वो बहुत पर्टिकुलर है कि थम्स अप ही पीनी है. क्यों पीनी है थम्स अप? थम्स अप का यूएसपी टेस्ट या वो तूफान? तूफान वो थंडर वाली बात करता है ना वो. वो तो अलग चीज है. हाँ, बट यूएसपी तो नहीं है ना कुछ. ये तो है जैसे कोक की अगर उन्होंने पार्टनरशिप ले रखी है, कोक के साथ उन्होंने करा है, तो कोक के साथ ही उनको फैंटा मिलेगी, लिम्का मिलेगी. बट द थिंग इज दैट, हाँ कुछ कह रहे थे बोलो. हाँ वो तो ऑब्वियसली बात है ना, बट यूएसपी तो नहीं पता ना. टेस्ट एक, ये दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, टेस्ट एक है. फिज हो सकता है एक पॉइंट, बट फिज की कंपैरिजन के लिए जनरली लोग इवैल्यूएट किसको करते हैं? कोक एंड पेप्सी को.
एंड थम्स अप को। फिर अगर फैंटा मिरिंडा का ऑलमोस्ट सेम ही बढ़ता है। अगर फिज की बात करें तो थम्स अप, कोक एंड पेप्सी, फिज। क्या यही रैंकिंग होगी या रैंकिंग चेंज होगी? यही रैंकिंग होगी ना। यू सी, कोई यूएसपी तो है ना कि किसी को बहुत ज़्यादा फिज चाहिए तो वो थंडर वाली चीज़ थम्स अप के लिए चला जाएगा, किसी को एक एवरेज लेवल ऑफ फिज चाहिए तो कोक इज़ अ बेटर ऑप्शन, और किसी को बिल्कुल लाइट ड्रिंक चाहिए, फिज चाहिए ही नहीं, तो पेप्सी। और वो पेप्सी फिर अपना ब्रांड वैल्यू या अपना यूएसपी कैसे बनाता है? स्वैग। यू सी, स्वैग इज नॉट समथिंग जो ड्रिंक में आ रहा है, बट इट इज़ ओनली इन देयर ब्रांड एंड यू, दिस इज़ वॉट दे आर डूइंग। क्योंकि उन्हें भी पता है टेस्ट में उनके पास कुछ नया ऑफर करने के लिए नहीं है, तो उन्होंने वो सेलिब्रिटीज़ को ला के एक इमेज मेक ओवर करने की कोशिश करी। सलमान भाई, ओके, नाउ लेट्स कम ने वीकनेसेस आर देयर, नाउ लेट्स डू अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं जैसे जो बाहर से है, लाइक सम अपॉर्चुनिटीज़ आर पीपल अडॉप्टिंग मोर ऑफ द मोबाइल फ़ोन, दिस वॉज एन अपॉर्चुनिटी। ये जितना आज हम ऑनलाइन डिजिटल इस क्लास में डिस्कस कर पा रहे हैं, दिस इज ओनली थ्रू वन थिंग दैट येस, मेनी ऑफ द पीपल आर एक्चुअली यूजिंग ऑनलाइन कनेक्शन, मोबाइल मार्केटिंग हैज़ नाउ बिकम अ रियलिटी। देन वी हैव इंक्रीज पर कैपिटा इनकम। ऑर्डर करना ऑनलाइन इतना आसान हो पा रहा है या इतना वायबल हो पा रहा है, तो उसका एक रीज़न क्या है कि येस पीपल आर हैविंग अ गुड इनकम। तो अगर इनकम अच्छी है देन ओनली दे आर एबल टू परचेज फ्रीक्वेंटली प्रोडक्ट्स फ्रॉम ऑनलाइन बेसिस। देन वी कैन हैव न्यू टेक्नोलॉजीज। जितने लोग ये ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो वही लोग हैं ना जिन्होंने नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कर लिया, नई टेक्नोलॉजीज़ को एक्सेप्ट करना सीखा। वांट टू से समथिंग? नेक्स्ट वी हैव मल्टीलिंगुअल सपोर्ट। तो आजकल तो आप देखते होंगे, इवन जियो ने ये शुरू किया था आईपीएल के अंदर कि इवन कमेंट्री ऑल्सो यूज टू कम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। सो भोजपुरी में कमेंट्री मैंने कभी नहीं सुनी थी, बट दिस वॉज ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज ऑफ जियो सिनेमा। सो इस मल्टी लैंग्वेज मल्टीलिंगुअल सपोर्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल। हिंदी में एक अमेजन का ना एक बहुत पॉपुलर एड था कि आई थिंक जूना था या पता नहीं कौन सा प्रोडक्ट था, नहीं, देयर वाज सम प्रोडक्ट जिसका मतलब हमें भी नहीं पता कि उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइक जैसे साबुन का जो जूना ही होता है जून, तो उस एड में अब सीखो ना उसका, वो स्क्रबर का वो लॉजिक क्या था। लॉजिक ये था कि दे हैड सम प्रोडक्ट एंड उस प्रोडक्ट को ना वो पूरे मोहल्ले में पूछती जा रही है कि बताओ इसकी इंग्लिश क्या होती है। एंड वाई वॉज दिस काइंड ऑफ एन एडवर्टीजमेंट क्रिएटेड? दिस वॉज क्रिएटेड बिकॉज वो दिखाना चाहते थे, एंड लास्ट में ना जो मतलब की इमेज था, की इमेज ने बोला कि अगर इसकी ज़रूरत नहीं है आप अपनी दुकान पर हिंदी में भी खरीदो। यू सी वॉट वॉज द लॉजिक? द लॉजिक बिहाइंड दिस एडवर्टीजमेंट वॉज दैट कि क्योंकि बहुत इंडिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको बहुत सारे प्रोडक्ट्स की ना इंग्लिश नहीं पता होती, जैसे स्क्रबर आ गया निकल के, बट जस्ट इमेजिन जो घर की एक लेडी है जिसको प्रोडक्ट खरीदना है, वो जूने की इंग्लिश निकालने के लिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में तो जाएगी नहीं, वॉइस सर्च पे हिंदी में सर्च करो। येस, सो दिस इज़ वॉट दे डू, मल्टी लिंगुअल सपोर्ट दे प्रोवाइड। सो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि मल्टी लिंगुअल सपोर्ट की वजह से, बिकॉज पीपल हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस, तो वो जनरली एक बहुत अच्छी ऐप को अडॉप्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। देन थ्रेट्स के अंदर क्या आता है? थ्रेट्स में ये आता है कॉम्पिटिशन। द बिगेस्ट थ्रेट ऑफ एनी ब्रांड इज हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन। देन यू कैन हैव डिक्लाइनिंग सेल्स प्राइस। तो जब कोई प्रोडक्ट बहुत ही सस्ता होने लग जाता है तो ऑनलाइन पर उसको बेचना, कंटिन्यू करना ज़्यादा मुश्किल होने लग जाता है, बिकॉज ऑनलाइन वालों को अपने खुद के भी तो मार्जिन चाहिए होते हैं। दे हैव देयर सेट ऑफ डिफरेंट चैनल्स के थ्रू जो उनको अपने काटने पड़ते हैं, तो उनका प्रॉफिट शेयर डिक्लाइन होता जाता है अगर सेलिंग प्राइस ही डिक्लाइन हो जाता है। तो वो जो मार्जिन, अगर जैसे जैसे सेलिंग प्राइस ही कम होता जाएगा, उनका खुद का मार्जिन, उनका खुद का प्रॉफिटेबिलिटी रेट भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसके अलावा स्केल की एक बहुत प्रॉब्लम होती है, लाइक अगर अभी हम सपोज करो अभी हम बेच रहे हैं जैसे शूज़ बेच रहे हैं, तो शूज़ के साथ अगर आप स्केल अप करना चाहोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सैंडल्स करना शुरू कर दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा मे बी घर की चप्पलें शुरू कर दोगे। अब ये ना शूज़ वाला एकदम तो लेदर बैग पर नहीं जा सकता, उसको लेदर बैग्स पर जाने के लिए, स्केल अप करने के लिए उसके लिए हमेशा एक थ्रेट होगा, क्योंकि जैसे ही वो बैग इंडस्ट्री में जाएगा, नोबडी यू कैन से एज परफेक्ट एज टाइटन। टाइटन हैज शोड इट डूइंग इट वे। टाइटन सब कुछ कर रहा है, फ्रॉम टाटा नमक टू जैगुआर, एवरीथिंग इज अंडर इट्स ब्रैकेट। बट क्या हर ब्रांड ऐसा कर सकती है कि नमक के साथ साथ वो जैगुआर भी बनाए? आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनी ब्रांड टू एक्चुअली कैपिटलाइज ऑल दी मतलब प्रोडक्ट मिक्स को, सारे प्रोडक्ट मिक्स को वो कैपिटलाइज नहीं कर सकता। इंडस्ट्री टाइटन इंडस्ट्री नहीं है, वो कॉन्ग्लोमरेट है। तो वही यहाँ पे ये वाली बात आ रही है कि हर ब्रांड कॉन्ग्लोमरेट की तरह तो नहीं हो सकता। लाइक एनी ब्रांड यू गो, अगर आपने वॉचेस निकालनी है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सडनली स्विच फ्रॉम वॉचेस टू मे बी परफ्यूम्स।
बहुत कम ब्रांड्स होंगे जो एकदम से वॉचेस में परफ्यूम में चली जाएंगी, क्योंकि शायद उनकी स्पेशलाइजेशन इज ओनली इन वॉचेस। तो ये फॉग, ये अपना जो इंडिया में चलता है फॉग चल रहा है, मतलब ये तो मुझे भी नहीं पता ये मेरे को नहीं पता, दिस इज हैपनिंग। कुछ वो एडिशन तो नहीं था, जैसे कई बार होता है ना बर्थडे वगैरह होते तो। ओके मार्केटिंग नहीं, हाँ हाँ कि ये मेरा नाम कैश कर रहा है, यही हुआ ना। कोई और उस फॉग, यू नो फॉग का एक अपना ब्रांड, मतलब फॉग का क्या यूएसपी है, फॉग जो इंडिया में क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है गैस के, वही तो उसका मतलब, वही उसका यूएसपी था ना। उसके बाद कितने ऐसे ब्रांड्स के डिओड्रेंट्स और मतलब ये हेयर स्प्रे मतलब बॉडी स्प्रे के ब्रांड्स आए जिन्होंने एक्चुअली में इस चीज़ को यूज़ किया, बट हमें देखो सेकंड थर्ड के नाम याद नहीं है, हमें सिर्फ एक फॉग का याद है, क्योंकि उनकी टारगेटिंग, उनकी स्पेसिफिकेशन एडवर्टाइजिंग ऑन दिस डोमेन थी। तो बेसिकली ही इज़ गिविंग एन एग्जाम्पल कि कोई और इस ब्रांड नेम को लिवरेज कर रहा था टू सेल वॉचेस, तो एक धुंधली इमेज क्रिएट होती है ना कि फॉग की घड़ियाँ भी आने लग गई, तो एक स्पिल ओवर क्रिएट होता है कि अच्छा अगर फॉग का डिओड्रेंट अच्छा है, परफ्यूम अच्छा है, तो उसकी घड़ी भी अच्छी होगी। सो वो केस हो गया। भाई तो वो स्केल अप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो पता है क्यों कर पाती है, क्योंकि जब भी वो नई चीज में जाती है ना, दे हैव टाइगर श्रॉफ, दे हैव आलिया भट्ट, दे हैव रणवीर सिंह डूइंग दैट, टीरा का ऐड कौन कर रहा है, टीरा का ऐड कौन कर रहा है बताओ। हाँ बताओ, हाँ शाहरुख खान की बेटी, शी इज वन, देन द अदर इज कियारा एडवानी एंड द थर्ड इज करीना कपूर। यू सी तीनों एजेस को कैटर कर रहे हैं ना, करीना कपूर हो गई अ मदर विद टू चिल्ड्रन, वो एक अलग एज ग्रुप हो गया। कियारा एडवानी समबडी हु इज जस्ट रिसेंटली मैरिड, सो एक वो अलग एज ग्रुप हो गया, लाइक 30s टू 40s वाला एज ग्रुप हो गया। एंड सुहाना खान है समबडी जो 20s को कैटर कर रहा है। सो इतना पैसा तो वही लगा सकता ना जिसके पास पैसा लगाने के लिए होगा। यस यस यस, लग्जरी ब्रांड्स, वो उन्हें इसलिए करना पड़ा बिकॉज दे वर हैविंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिशन इन द फॉर्म ऑफ नाइका एंड पर्पल। जूडियो, हाँ जूडियो खुला, जूडियो का थोड़ा सा अलग है, वो थोड़ा सा ऑफलाइन में ज़्यादा आ जाता है ना, जूडियो को ऑनलाइन से ज़्यादा मिडल, और वो जनरली तुम जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा है, तो कोई भी लग्जरी वाला जूडियो नहीं जाएगा, लग्जरी वाला तो अभी भी फेंडी के शोरूम ही जाएगा रेगुलर बेस, मतलब जिनको अफोर्डेबल फैशन चाहिए वो बेसिकली जूडियो जाएंगे। टीरा की है, बट टीरा के कहीं ना कहीं वो अभी क्या कर रहे हैं, देखो मैंने जियो का जो मॉडल एनालिसिस किया है या मैंने जो अंबानी का विजन देखा, वो हमेशा ही है, वो स्टार्ट हमेशा लो से करता है फिर वो हाई पे जाता है। जियो सिनेमा का केस स्टडी पढ़ा है, जियो सिनेमा स्टार्टिंग में जब आया था तो क्या था, फ्री था, अभी भी फ्री है, फॉर मैनी ऑफ द थिंग्स इट इज स्टिल फ्री, बट प्रीमियम भी आ चुका है। सो अगर मैं जियो सिनेमा के एक रेगुलर यूजर हूँ और मैं जियो सिनेमा में भी लाइक 2 साल से अगर देख रही हूँ, तो 2 साल तक मैं ऑलमोस्ट उसका सारा कंटेंट देख चुकी होंगी जो फ्री वाला होगा। अब उसने एक शुरू कर दिए इंग्लिश प्रीमियम कंटेंट, जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी इंग्लिश मूवीज कंटेंट्स एंड ऑल दैट इज अवेलेबल, अगर मुझे वो देखना है सो आई हैव टू पे। दिस इज वॉट आई थिंक देयर विजन इज, दैट दे फर्स्ट ट्राई टू कैप्चर द मार्केट एंड देन दे ट्राई टू लिवरेज इट। फिल्टर, यस फिल्टर करते हैं, फिल्टर का अच्छा यूज, फनल का अच्छा यूज करते हैं, चल रहा है ना। ये धीरा कैसे हो गया, ओके फाइन। नेक्स्ट वी हैव, हाँ आई हैव डी स्वॉट एनालिसिस ऑफ जेप्टो। जेप्टो के बारे में सबने सुना है, 10 मिनट डिलीवरी ऐप, तो हम क्विकली देख लेते हैं इसका स्वॉट एनालिसिस। तो जेप्टो की स्ट्रेंथ्स क्या हैं, टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा यूज़ कर रहे हैं। अगर आप जेप्टो की केस स्टडी भी पढ़ो ना, सो दे आर ओनली एबल टू डू दिस 10 मिनट्स डिलीवरी ऑन द बेसिस ऑफ देयर, उनका पूरा जो वो मतलब एक तरह से सप्लाई चेन है ना, कि हाउ दे हैव टू हैंडल द ऑर्डर एंड द डिलीवरी। उनके डार्क स्टोर्स हैं, अब वो डार्क स्टोर्स का बेसिकली लॉजिक क्या है, डार्क स्टोर्स उन्होंने ना बहुत छोटी छोटी जगहों पर मतलब एक तरह से स्टोरेज ही है, डार्क स्टोर इज नथिंग, एक स्टोरेज हाउसेज ही है, बट उन्होंने ना बहुत ऐसी ऐसी जगहों पर वो स्टोरेज हाउसेज खोले हैं जहाँ पर कॉस्ट बहुत कम आती है, तो
तो एक तो जो मतलब रेंटल कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाती है, प्लस वो एक विसिनिटी में, जैसे सपोज करो अगर वी आर इन लाइक अभी हम मॉरिस नगर के अराउंड है, तो अगर मॉरिस नगर से उनके 100 ऑर्डर्स आते हैं, सो दे विल बी हैविंग अ डार्क स्टोर इन 1 to 2 किलोमीटर्स ऑफ दिस मॉरिस नगर। एक बहुत छोटे से घर या बहुत छोटे से किसी मार्केट के अंदर उनका एक डार्क स्टोर होगा, और क्योंकि वो 1 to 2 or 5 किलोमीटर के रेडियंस के अंदर है, तो जो भी उनका डिलीवरी मैन होगा वो आसपास वाला ही होगा, वो फटाफट उस डार्क स्टोर से वो प्रोडक्ट उठाएगा एंड कंज्यूमर को डिलीवर कर देगा। दैट इज़ हाउ दे आर एबल टू यूज़ दिस 10 मिनट का डिलीवरी वाला टैग लाइन। सो गुड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी गाइस। देन दे हैव कॉम्पिटेंट स्टाफ, तो जो भी उन्होंने स्टाफ रखा है स्पेशली द स्किल्ड स्टाफ, वो बहुत कॉम्पिटेंट है and they have this thing of being true to their goal. तो अगर उनका goal 10 मिनट वाला है, so they try to maintain कि 10 या 15 मिनट में हो जाए। ये 10 या 15 मिनट, 30 मिनट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही वो 30 मिनट का दायरा क्रॉस कर जाएगा एक इमेज बिल्कुल चेंज हो जाती है। दिस इज वॉट दिस ब्रांड इज प्रपोजिंग। तो ये तो स्ट्रेंथ होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटरनल वीकनेसेस ऑफ द कंपनी। रिलायंस ऑन रिटेलर्स, तो डार्क स्टोर्स ठीक है, बट जैसे मैंने डार्क स्टोर्स बोला, तो अगर आप उनकी केस स्टडीज वगैरह भी पढ़ो, तो अभी कुछ हंड्रेड ही डार्क स्टोर्स हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़ी ब्रांड है कि लाखों डार्क स्टोर्स खोल लेगी। अब इंडिया की ज्योग्राफी की बात करो, अगर पूरे इंडिया के ऑडियंसेस को मीट करना है तो कितने डार्क स्टोर्स चाहिए? लाखों। वी हैव अ पॉपुलेशन ऑफ 140 करोड़ यार, 140 से प्लस, तो कितने डार्क स्टोर्स की ज़रूरत चाहिए होगी? 50 होने वाले हम, सीरियसली कितने डार्क स्टोर्स चाहिए होंगे? तो अभी भी डार्क स्टोर्स तो ठीक है, बट उसके अलावा दे आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन सर्टेन फिजिकल रिटेलर्स ऑल्सो। तो ये एक अभी उनके लिए प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है, कुछ वैसे यूनिक नहीं है। जो जेप्टो कर रहा है, क्या वो ब्लिंकिट नहीं कर रहा? यू अंडरस्टैंड दिस? कुछ मतलब बहुत यूनिक नहीं है। तो मॉडल तो थोड़ा सा सेम ही है, प्रोडक्ट या सर्विस तो सेम ही है। एंड दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज, कि अगर आप ऑर्डर करने लगते हो तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि अच्छा जेप्टो पे नहीं मिल रहा, चल ब्लिंकिट से मंगा लेते हैं। यू सी, एंड सेम थिंग्स हैपन व्हेन ब्लिंकिट से नहीं मिल रहा, तो चल जेप्टो से मंगा लेते हैं, क्योंकि कुछ डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए आपको फर्क नहीं पड़ता कि आप ए पे जाओ या बी पे जाओ। That can come as a strength, but ये weakness तो रहेगी ना, कि model तो बिल्कुल सेम है। Until unless Zepto do something different, जो Blinkit अभी नहीं कर रहा, वो एक यूनिक पॉइंट हो। वो USP की बात आ गई, कि दोनों में बताओ USP क्या है। वो सेम Mirinda और Fanta वाला एग्जाम्पल यू कैन यहाँ पे हैव इट। नेक्स्ट इज फ्लक्चुएटिंग कंज्यूमर बेस। तो जो फ्लक्चुएटिंग कंज्यूमर बेस की बात है, जैसे अभी एक एनालिसिस निकल के आया है कि प्राइजेस थोड़े कम है, जैसे जैसे Blinkit को ये रिलाइज होगा कि Zepto के पास ज़्यादा लोग जा रहे हैं क्योंकि उसके प्राइजेस कम है, वॉट विल Blinkit डू द नेक्स्ट डे? वो अपने प्राइजेस भी तो गिरा देगा। तो फ्लक्चुएटिंग कंज्यूमर बेस है, कोई लॉयल कंज्यूमर बेस नहीं है। आज उसको यहाँ सस्ता मिल रहा है तो वो यहाँ जा रहा है। कॉन्सेप्ट यस एग्जैक्टली नहीं है। ये बहुत अच्छी बात बोली गई है कि इंडिया में ब्रांड लॉयल्टी बहुत कम है। अगर आज आपको वीवो का फ़ोन सस्ता मिल जाएगा ना, क्योंकि आज आपको दिवाली के दिन ही फ़ोन लेना है, आपका बर्थडे है या कोई एंड रीज़न है, आप वीवो का ले लोगे, जबकि आप शायद घर से निकल के आए थे ओप्पो लेने के लिए। तो दिस इज़ व्हाट हैपन्स, कि हम प्राइस सेंसिटिव बहुत है। मुझे जहाँ 500 रुपये कुछ सस्ता मिल जाएगा मैं वहाँ बेंड हो जाऊँगी, तो मेरी लॉयल्टी वहीं ख़त्म हो जाएगी। नाउ लेट्स कम टू दी अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। तो अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? फ्रेश सिटीज़। देखो मैंने कहा ना, वी हैव अ पॉपुलेशन ऑफ 150, तो हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी, हम नई नई सिटीज़ में जा सकते हैं। देन वी कैन हैव डाइवर्स सेक्टर्स। ये एक अपॉर्चुनिटी है, कि अभी वो जनरली Zepto किस में डील कर रहा है? अभी किस सेक्टर में या किस सर्विस में Zepto डील कर रहा है? FMCG प्रोडक्ट्स, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। इसमें वो धीरे धीरे नई चीज़ें ऐड कर सकता है। लाइक हो सकता है अभी उसने ड्यूरेबल शुरू नहीं किया, तो वो ड्यूरेबल चीज़ें ही शुरू कर सकता है। हो सकता है छोटी छोटी होम अप्लायंसेस शुरू कर सकता है। सो ऑप्शन बहुत है, अपॉर्चुनिटी बहुत है, कि वो धीरे धीरे अपना USP बढ़ा सकता है। बट साथ में उसके पास थ्रेट क्या आएगा? जैसे जैसे Zepto डेवलप करेगा, ऐसे छोटे छोटे और भी तो प्लेयर्स आ जाएंगे, तो कंपटीशन तो हैवी होगा। कि अभी तो हमारे माइंड में फिर भी Blinkit और Zepto आते हैं। हो सकता है वी नेवर नो, 3 साल बाद कोई और नया Zepto आ जाए, Kepto आ जाए, Mepto आ जाए। यू अंडरस्टैंड दिस, दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। ई कॉमर्स में आज एक प्लेयर है, सो यू नेवर नो कल कोई नया प्लेयर आपके पास आ जाए। देन इज वेरी इंपॉर्टेंट इशू, जो हर ऑनलाइन डिलीवरी के साथ है, पुअर कंडीशन ऑफ डिलीवरी बॉयज। सो जब तक ये डिलीवरी बॉयज़ वाला जो इशू है, या डिलीवरी बॉयज़ की वर्क पेमेंट वाला जो इशू है, जब तक ये मीडिया में न्यूज़ में रहेगा, तब तक एक थ्रेट तो होगा। क्योंकि कुछ नहीं पता किस दिन गवर्नमेंट इनके लिए एक लॉ ले आए कि एटलीस्ट यू हैव टू पे मिनिमम दिस सैलरी टू द डिलीवरी बॉयज़। तो ये कंपनी के लिए एक थ्रेट ही होगा कि आपको मिनिमम कम से कम इतनी सैलरी देनी ही पड़ेगी। सो दिस इज़ व्हाट, अभी तो वो क्या है, नेगोशिएबल है, कम दे सकते हो ज़्यादा दे सकते हो, बट अगर किसी दिन एक लॉ बन जाए, किसी दिन कोई लॉ मूवमेंट हो जाए, सो दैट विल बी अ थ्रेट फॉर द ब्रांड।
सो दिस इज वॉट डी स्वॉट एनालिसिस इज. नाउ वी हैव एन अदर थिंग विच इज द एस्कॉर मॉडल. इसको क्विकली करते हैं क्योंकि इसकी पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी स्लाइड में है. ये स्लाइड शेयर हो जाएगी अगर बोलोगे तो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं तुम्हें भेज दूंगी, तुम एक बार शेयर कर देना इनके साथ. तो एस्कॉर मॉडल में जनरली एस्कॉर कुछ बहुत टेक्निकल नहीं है. एस्कॉर इज द एक्रोनिम फॉर ए स्टैंड्स फॉर द असेसमेंट फेज. तो जो हमने पी रियन के अंदर प्लानिंग किया था ना, वो असेसमेंट फेज के अंदर आ जाएगा. पूरा असेस करना, सिचुएशन का एनालिसिस लगाना. देन वी हैव एस फॉर द स्ट्रैटेजी फेज. तो अब आपने असेस कर लिया है कि हम मार्केट के अंदर ये डिमांड में है, मार्केट के अंदर ये कॉम्पिटिशन है, मार्केट के अंदर ये चलेगा ये नहीं चलेगा. अब आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, लाइक हाउ यू आर गोइंग टू डू इट, हाउ यू आर गोइंग टू रीच योर कंज्यूमर्स. तो जो पी रियन मॉडल था उसका पी प्लानिंग हो गया असेसमेंट के लिए, आर हो गया रीच दैट इज स्ट्रैटेजी के लिए, एंड देन वी हैव द चैनल एंड द कम्युनिकेशन. सो चैनल एंड द कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, एक्चुअली आप कौन से रूट के थ्रू जाओगे, कस्टमाइज डिलीवरी पे जाओगे, डायरेक्ट डिलीवरी पे जाओगे, रिटेलर्स होलसेलर्स के साथ जाओगे, मार्केटिंग कैसी करोगे, री मार्केटिंग करोगे, टारगेटेड मार्केटिंग करोगे, कस्टमाइज मार्केटिंग करोगे. देन वी हैव द डिजिटल मार्केटिंग ऑपरेशंस. आप डिजिटलाइज कितना करोगे, आप 70% ऑनलाइन, 30% ऑफलाइन या पूरा 100% ऑनलाइन करोगे, दिस इज योर डिसीजन. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिफाइनमेंट. तो जो भी आप एक स्ट्रैटेजी बनाओगे, नेक्स्ट टाइम जब भी आप दोबारा स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने जाओगे, आप उसको क्या करोगे, रिफाइन करोगे. इसका पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इसके अंदर है. सो वी हैव दिस डायग्राम ऑल्सो एंड वी हैव फेज वन. फेज वन के अंदर आप देख सकते हो असेसमेंट में हम क्या क्या असेस करते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल, डिजिटल प्रेजेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड फर्म के रिव्यू वाला, ये सारा हम असेसमेंट में करते हैं. देन फेज टू, स्ट्रैटेजी टू के अंदर हम क्या करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन, एस टी पी वी हैव ऑलरेडी डन, मार्केटिंग मिक्स वी हैव ऑलरेडी डन, एंड 6S. 6S का बेसिकली यही मीनिंग है कि वॉट इज द स्कोप ऑफ गोइंग डिजिटल, वॉट इज द शैडो ऑफ गोइंग डिजिटल. शैडो का बेसिकली लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ा है, LPP पढ़ा होगा. LPP में ना, LPP कौन सा वाला, मैथ्स वाला या बिजनेस मैथ्स वाला, हाँ बिजनेस मैथ्स में पढ़ा है, जिसमें वो सिम्प्लेक्स की टेबल बनाते थे. सिम्प्लेक्स टेबल्स पढ़ी है. सिम्प्लेक्स टेबल में ना एक कॉन्सेप्ट होता था शैडो प्राइजेस का. वॉट वॉज द शैडो प्राइजेस? शैडो प्राइजेस होता है कि अगर आप एक चीज़, जैसे ये मार्कर है, सपोज इस मार्कर को मैं ट्रेडिशनली, मतलब नॉर्मल रिटेल शॉप से बेच रही हूँ, तो इस मार्कर को बेचने की कॉस्ट आ रही है मे बी लाइक 10 रुपीज़. अगर सेम मार्कर को मैं ऑनलाइन बेचती, ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन बेचती, तो मेरी कॉस्ट और मतलब प्रॉफिट, मेरा प्रॉफिट का एनालिसिस कितना होता. सपोज करो मेरा रिटेल शॉप ऑफलाइन मोड में प्रॉफिट हो रहा है 2 रुपये का, और यही अगर मैं ऑनलाइन करती, मेरा प्रॉफिट क्या होता है, 1 रुपये का. सो वो जो 1 रुपये का प्रॉफिट है ना, वो मेरा क्या है, शैडो प्राइस. मतलब इस चीज़ को अगर मैं ऐसे कर रही हूँ तो वैसे नहीं कर पा रही, तो वो उसकी शैडो. तो यहाँ पे शैडो का मतलब यही है, व्हेनेवर यू गो डिजिटल, तो आप जो रिटेल में कर पाते हैं, आप जो ऑफलाइन में कर पाते हैं, वो नहीं कर पा रहे हो, तो वो उसका क्या है, शैडो वर्जन है, कि अभी आप वो नहीं कर पा रहे. ऑब्वियसली बात है ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ी है, नहीं पड़ी, चलो इसको शैडो से नहीं समझता, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो पड़ी होगी. लाइफ में 2 जॉब आ रही है, एक बींग अ CA, एक बींग अ मार्केटिंग मैनेजर. अगर CA चुनते हो तो मार्केटिंग मैनेजर तो नहीं बन पाओगे ना. तो CA में सैलरी 50,000 है, मार्केटिंग मैनेजर की सैलरी 45 थी, तो ये 45 तुम्हारे लिए क्या हो गई, ये तुम्हारे लिए शैडो प्राइस हो गई या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, कि एक चीज़ चुनने की दूसरी कॉस्ट क्या है, ये सैलरी, दूसरा ओवरकम का. अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम ज़्यादा वाला लेते हो कम, कई लोग कम वाला भी लेते हैं, कई लोग हो सकता है 45 वाला मार्केटिंग मैनेजर लें, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी CA वाली. वो अलग रीज़न है, उनका रीज़न क्या हो सकता है, मे बी शायद घर के पास जॉब है, मे बी लोकेशन चेंज नहीं है, CA में हो सकता है लोकेशन चेंज करना हो. सो यू हैव डिफरेंट रीजन्स टू कंसिडर वन चॉइस. बट ऐसा तो नहीं है ना दोनों चीज़ें चुन लोगे. इवन शादी का ही एग्जाम्पल आया था, तो 2 लड़कों की ऑप्शन है, तो दोनों से तो ना शादी कर लोगे, दोनों लड़कियों से तो ना शादी कर लोगे, तो वन चूज कर रहे हो तो दूसरी विल बी योर शैडो, दूसरी विल बी योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. नेक्स्ट वी हैव सेटअप कॉस्ट. अगर आप डिजिटल जा रहे हो तो देयर इज अ सेटअप कॉस्ट, एटलीस्ट इनिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर तो सेटअप करना पड़ेगा. यू सी, इवन इफ दिस क्लास इज गोइंग लाइव स्ट्रीम, तो इसका भी एक सेटअप है, ये पूरा तामझाम चाहिए. अगर ये तामझाम नहीं होगा तो लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो सकता. देन वी हैव स्टेबिलिटी. डिजिटल में बहुत जरूरी है मेंटेनिंग दैट स्टेबिलिटी. इट्स नॉट दैट मंडे को तो ऑनलाइन ऑफर्स दिए, ट्यूसडे को बंद कर दिया, तो स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है. दैट वंस यू रन डिजिटल, यू नीड टू हैव अ स्टेबिलिटी, अदरवाइज योर बिजनेस इज नॉट हैविंग एनी डिजिटल प्रेजेंस. देन वी हैव स्केल अप. तो अभी हम जो बात कर रहे थे, लाइक एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पे जाना, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पे जाना, तो स्केल अप अपॉर्चुनिटी हमेशा अपने पास रखा करो. कोई ऐसे डेड एंड में मत चला जाओ जहाँ पे स्केल अप हो ही ना सके. जैसे बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, स्पेशली स्टार्टअप्स में,
कई लोग बहुत है, ये आपने शार्क टैंक में भी देखा होगा, शार्क टैंक में भी लोग पिच करने आते हैं, कई लोग इतने एम्बिशियस होते हैं वो कहते हैं हम तो ये 10 के 10 फ्लेवर निकाल देंगे शार्क टैंक में। ओके ठीक है ओके कंपनी का हाँ वो क्यों ठीक है अच्छा ऑफर है। एक आप पता नहीं शार्क टैंक में ही हुआ था, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग दैट ब्रांड एक्सेट्रा, सुन लो पहले उससे बाद में पूछ लेना। शार्क टैंक में था आई थिंक देवर सम मे बी चिप्स वगैरह या मे बी कोई अचार वगैरह की वैरायटी थी एंड देवर हैविंग अ गुड वैरायटी, मतलब मे बी शायद उनके पास 20-25 फ्लेवर थे एंड देवर गोइंग विद ऑल द फ्लेवर्स। उनको एक रिव्यू क्या निकल के आया, सारे फ्लेवर्स में मत जाओ, क्योंकि कुछ उनका फ्लेवर अच्छे थे कुछ उनके अच्छे नहीं थे, जैसे वो टेस्ट करते हैं ना, सो दे वर गिविंग द रिव्यूज, तो कह रहे आप सारे फ्लेवर्स में मत लो, जो आपके टॉप सेलिंग 2 फ्लेवर्स हैं आप उनमें जाओ पहले और बाद में औरों को ऐड करना। सो यू सी स्केल अप का मतलब क्या है कि एकदम सब में चले जाओगे, आपको एक तो मैनेजमेंट सबको करनी पड़ेगी, आपका ध्यान भटकेगा, जितना आपका ध्यान भटकेगा उतने आपकी डेडिकेशन कम आएगी, उतना प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस कम होते जाएंगे। यस ममा अर्थ ने भी यही किया और अब वो धीरे धीरे और नई नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं। सो ममा अर्थ का अगर देखा सबसे पहले ऑनियन शैम्पू ही याद आता है, बट अब ये राइस विनेगर एप्पल सीडर ये सारे अब धीरे धीरे उन्होंने ऐड करे हैं। नेक्स्ट वी हैव स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का यहाँ पे मतलब है डिजिटल स्पेक्ट्रम, जो आपने सुना होगा, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर भी हम स्पेक्ट्रम की बात कर लेते हैं, 2G 5G 3G, सो वो टेक्नोलॉजी के साथ हमेशा अपने आप को अपडेट करना। सो ये 6S है। देन वी हैव द कम्युनिकेशन एंड चैनल मिक्स। इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे कि हमारा कौन सा डिजिटल मीडिया हम यूज़ करेंगे, क्या हम कम्युनिकेशन प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे, क्या हम 1-to-1 कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, चाहे हम डिस्प्ले मार्केटिंग करना चाहते हैं, री मार्केटिंग करना चाहते हैं, सो ये सारी चीज़ें। देन चैनल मिक्स। चैनल मिक्स में पुश मार्केटिंग, पुल मार्केटिंग, जो हमने सारा उस दिन मार्केटिंग मिक्स में चैनल मिक्स किया था वो सारा इसके अंदर आएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बजट। अब आप पुश करना चाहते हो, पुल करना चाहते हो, आप रिटेलर लेना चाहते हो, होलसेलर लेना चाहते हो, एजेंट लेना चाहते हो, नहीं लेना चाहते हो, सब चीज़ों की एक कॉस्ट है। सो नाउ एनालाइजिंग कि आपकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी। देन वी हैव डिजिटल मार्केटिंग ऑपरेशंस। इसमें बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग का अपना कैंपेन बनाओ, मल्टी चैनल कैंपेन सेट करो, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग अगर आप कैंपेनिंग की बात करो तो सिर्फ इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल दिया और आप खुश हो गए ऐसे तो नहीं चलेगा। आपको वो सेम चीज़ अपने इंस्टाग्राम पे भी रन करनी पड़ेगी, फेसबुक पेज पे भी रन करनी पड़ेगी, अपनी वेबसाइट पे भी दिखाना पड़ेगा, अपनी ऐप पे भी रन करना पड़ेगा, तभी जाके वो एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हो पाएगा। देन उसको एग्जीक्यूट करना एंड फाइनली उसको मॉनिटर करना। मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है कि कितने रिव्यूज़ आ रहे हैं, कितने इंक्वायरीज आ रही है। जैसे अभी उसने बताया था इंक्वायरीज इतनी आ रही हैं, तो इंक्वायरीज के बाद बहुत ज़रूरी है कि आप सेकंड स्टेज पे जाओ, एटलीस्ट ऑर्डरिंग स्टेज पे जाओ। कई बार तो ऐसा होता है इंक्वायरी आ जाती, ऑर्डर नहीं आता, वो भी एक तरह से आप कह सकते हो डेड आइडिया ही हो गया कि आपको वो आइडिया भी नहीं चाहिए, आपको एटलीस्ट वो आइडिया तो चाहिए जिसके इंक्वायरीज भी आएँ, फॉलोअप्स भी आएँ। देन वी हैव फाइनली रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट का मतलब ये है अब आगे एनालिटिक्स, तो वो जितना कीवर्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो आता है अब वो फाइनली रिफाइनमेंट में आएगा कि वंस यू आर सेट नाउ यू कैन डिटरमाइन आपके कीवर्ड्स क्या है, नाउ यू कैन डिटरमाइन कि आपको कैसे इसको और ऑप्टिमाइज करना है, नाउ यू कैन डिटरमाइन अर्नड मीडिया, ओन्ड मीडिया, पेड मीडिया कौन सी आपको चाहिए, नाउ यू कैन डिटरमाइन योर ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कि मैंने इतना पैसा लगाया और मुझे इतना रिटर्न आ रहा है, एंड फाइनली यू कैन रीडिफाइन या रीथिंक अबाउट योर प्लान्स। सो दिस इज द एस्कॉर मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव, अब ये सिनेरियोज है बेसिकली, वी कैन क्विकली जस्ट रश थ्रू, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ मैंने फॉर द मतलब एक तरह से यू कैन से टचअप के लिए डाला था कि बेसिकली सिनेरियो 1 में क्या हो सकता है, कोई ट्रेडिशनल ब्रांड विद प्रोडक्ट एंड सर्विस विच इज़ वेल एस्टैब्लिश। सिनेरियो 1 का मतलब क्या है, एक ऐसा बिजनेस जो ट्रेडिशनल बिजनेस है जिसका प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है और सर्विस भी बहुत अच्छा है। कोई एग्जाम्पल, ट्रेडिशनल बिजनेस ऑनलाइन की बात नहीं कर रही, जिसका प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, सर्विस भी बहुत अच्छा है। अरे कुछ कह रहा है कोई, आवाज़ नहीं आ रही मुझे, बोलो तो सही। ट्रेडिशनल ब्रांड या ट्रेडिशनल बिजनेस, हाँ मान्यवर, ट्रेडिशनल ब्रांड मान्यवर लिवरेज हुआ था ऑनलाइन से या नहीं हुआ था, आई हैव नो आइडिया, मान्यवर को मैंने इतना फॉलो नहीं किया। नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन तुम लोग समझे नहीं, मान्यवर की स्टार्टिंग इनिशियल सेल्स ज़्यादा ऑनलाइन से आती थी या रिटेल से आती थी, ऑफलाइन से ही आती थी। ओके, बट ये ट्रेडिशनल नहीं हुआ ना, मान्यवर तो नया ब्रांड हुआ। ट्रेडिशनल ब्रांड का मतलब है जो आपके पापा के ज़माने में भी था।
हाँ MDH मसाले, हाँ ये हो सकता है, गुड गुड एग्जांपल MDH मसाले, क्योंकि वो दादाजी कितने फेमस है ना MDH के, उषा प्रेस्टीज, ये जो एग्जांपल्स है, मतलब जो पुराने पुराने एग्जांपल्स है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स ऑल्सो यू कैन से, तो ट्रेडिशनल ब्रांड जिसका एक एस्टेब्लिश प्रोडक्ट है। सिनेरियो वन क्या है? सिनेरियो वन वो है जो एक ऐसा ब्रांड है, एक ऐसी कंपनी है जिसके पास एक अच्छा प्रोडक्ट है, एक अच्छा ब्रांड नेम है, अगर उसको डिजिटल जाना है उसके लिए काम थोड़ा सा आसान है, क्योंकि वो ट्रेडिशनली एस्टैब्लिश्ड है, ब्रांड भी अच्छा है, प्रोडक्ट भी अच्छा है MDH। अब जैसे MDH वाले को ही अगर ऑनलाइन मसाले बेचने हो, उसके लिए काम बहुत आसान है, क्योंकि उसको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इवन उसको कोई सेलिब्रिटी की भी ज़रूरत नहीं है, वो जस्ट बोल सकता है कि अब हमारे मसाले हमारी अपने खुद की एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है, तो MDH की ऐप डाउनलोड करो और मसाले ऑर्डर करो। यू अंडरस्टैंड दैट थिंग? वो खुद ही है, यूजली उन्हें कोई और की ज़रूरत ही नहीं है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। देन वी कैन हैव अ सिनेरियो टू। सिनेरियो टू में क्या है? ट्रेडिशनल ब्रांड है विथ प्रोडक्ट एंड सर्विस जिसका बहुत एस्टैब्लिश नहीं है। एक ट्रेडिशनल ब्रांड सोचो, ट्रेडिशनल ब्रांड है, प्रोडक्ट एंड सर्विस बहुत एस्टैब्लिश नहीं है, मतलब मीडियम रेंज का प्रोडक्ट है, बहुत टॉप रेंज का नहीं है। सोचो, नहीं है कोई ऐसा प्रोडक्ट है, सोचो फिर। वॉशिंग पाउडर निर्मा, यस यू कैन से दैट। एस्टैब्लिश नहीं है, ठीक है, एस्टैब्लिश तो है वो, बट उसका एक, हाँ उसका मतलब कह सकते हो, ऐसा नहीं है। निर्मा इज अ वेरी पॉपुलर ब्रांड, स्पेशली इन द लोअर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट में बहुत पॉपुलर, जैसे हम लोग सर्फ एंड टाइड लेते हैं, जो थोड़े से लो लेवल के, मतलब इनकम के सेगमेंट के लोग होते हैं, वो निर्मा ही लेते हैं। अब तो निर्मा भी बदल गया है यार, ऋतिक रोशन क्या गुलाटियाँ मारते हैं उसके एड में, तो निर्मा हैज नाउ चेंज। अब वो निर्मा सिर्फ वो लड़की नहीं रह गई, वो बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है कि दिस हैपेंस। That's a new use of the product. Hina Mehndi, wow, ये किसने बताया? ये बहुत ही अच्छा था, something very new. But Hina Mehndi is an established product. Ladies से पूछो करवा चौथ पे मेहंदी लेनी है तो Hina की ही लेनी है. So Hina is established. हाँ, गोल्डी मसाले कह सकते हो इसके। हाँ ने, अच्छा नेहा ही ना, अच्छा वो बहने हैं ना, आई थिंक दे आर सिस्टर्स। दिस कैन हैपन अगर हम मसालों पे जाए तो समथिंग लाइक राजेश मसाला, समथिंग लाइक सुरुचि मसाले, समथिंग लाइक ये जो अभी गोल्डी मसाले दे वर टॉकिंग, राजधानी तो इम्पोर्टेंट, राजधानी बेसन का तो नाम है, राजधानी तो अपने बेसन की वजह से मसाले कैश कर लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट यू सी दोज ब्रांड्स, जो ब्रांड्स तो हैं ट्रेडिशनल हैं बट उनका प्रोडक्ट इतना एस्टैब्लिश नहीं है, इनको काम बहुत करना पड़ेगा। अगर सडनली गोल्डी मसाले प्लान्स टू गो डिजिटल, तो गोल्डी मसाले को पहली बात तो अपने खुद का गोल्डी ब्रांड का बहुत नाम लेना पड़ेगा, एंड दैट इज़ वन रीज़न दैट दे आर हैविंग गोल्डी मसाले का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, यू सी। MDH को तो सलमान की ज़रूरत पड़ नहीं रही, बट गोल्डी को पड़ रही है। वो क्यों पड़ रही है? क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। यस, बहामास चप्पल, सो हैविंग सलमान खान डूइंग दैट बामा वाला डांस गेव देम द लिवरेज कि हाँ बामा और किसी को चाहिए। एंड दिस इज वॉट इवन दोज, ये जो बनियान बेचते हैं ना रूपा एंड ऑल दैट, दे ऑल्सो डू दिस थिंग बिकॉज इनको भी पता है दैट वी हमारा प्रोडक्ट जॉकी तो है नहीं। जॉकी में कभी देखा है एनी सेलिब्रिटी? नहीं देखा होगा। जॉकी एड्स हैव ओनली मॉडल्स, दे डोंट हैव सेलिब्रिटीज। सो जॉकी को ज़रूरत नहीं है ना, दे डोंट नीड अ सेलिब्रिटी, बट दीज रूपा एंड दीज और भी जो माचो वगैरह, यू गॉट दैट। नेक्स्ट इज न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट विद ब्रांड टू बी डेवलप्ड। कोई न्यू प्रोडक्ट जो मार्केट में आया जिसकी ब्रांड डेवलपमेंट होनी है अभी, इसमें सारे आपके नए नए स्टार्टअप्स के एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। इसमें सोचो कोई न्यू प्रोडक्ट जिसकी ब्रांड की अभी मतलब इतनी प्रेजेंस नहीं है, अभी डेवलपमेंट होनी है। ये तो मेरे को भी नहीं पता था, चलो समथिंग वेरी न्यू। नथिंग फोन, हाँ नथिंग फोन देखा करो, पूरे फ्रंट पेज पे टीवी उसके न्यूज़पेपर ऐड जाते हैं, बट इट इज़ समथिंग विच इज़ येट टू बी डेवलप्ड। टेक्नो मोबाइल, हाँ ये भी हो सकता है, और हंस रहे हो, और ब्रांड टू बी डेवलप्ड कोई स्टार्टअप वगैरह को, अच्छा कूलर, ये मैंने भी नहीं सुना।
सो मतलब ये डेवलप होने की जरूरत नहीं है क्या? हाँ ये भी मैंने नहीं सुना। तो मतलब ये सारी चीजें जिनका, तो अगर कोई ब्रांड है जो ब्रांड देखो नॉर्थ एस्टेब्लिश्ड है, नॉर्थ तो बहुत एस्टेब्लिश है, ये तो मेरे दादी के टाइम पे भी था। वॉट आर वी सीइंग इन दिस सिनेरियो? वी आर सीइंग दैट इफ यू आर अ ट्रेडिशनल ब्रांड नेम विद अ गुड ब्रांड नेम, आपके लिए होमवर्क थोड़ा कम है। द मोर यू आर अ ब्रांड नेम जो इतना एस्टेब्लिश नहीं है, डिजिटल जाने के लिए तामझाम थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा, होमवर्क थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा। और वही अगर आप बिल्कुल एक अननोन ब्रांड हो, एक स्टार्टअप हो, अभी बस डिजिटल आए हो, आपके लिए एक बेनिफिट ये है क्योंकि कोई आपको जानता नहीं है, तो अगर आप सब कुछ डिजिटली ही बिल्ड करो तो आपका बिल्कुल डेवलपमेंट ही। जैसे नायका, तुम लोगों ने ये एग्जांपल नहीं दिया, एक टाइम पे नायका भी तो ऐसा था, नायका को कौन जानता था? इवन मान्यवर की अगर बात करो तो मान्यवर ठीक है ट्रेडिशनल ब्रांड नेम नहीं है, और जब मान्यवर आया होगा तो उसने साथ में अपने आप को डिजिटली ज़रूर एडवर्टाइज किया होगा, क्योंकि दिस इज़ वॉट न्यू ब्रांड्स कैन लिवरेज ऑन। न्यू ब्रांड्स ठीक है ट्रेडिशनली तो एडवर्टाइज कर ही सकते हैं, पर जो नए ब्रांड्स आ रहे हैं जो अभी इतने जानकार नहीं है, जैसे मान्यवर की टक्कर का कौन, नहीं नहीं तनिष्क तो उसमें हो गया ना, मान्यवर ज्वेलरी थोड़ा ना बेचता, मान्यवर तो शायद मेंस मसावा। मान्यवर मान देखो मान्यवर व्हेन इट केम, मोहे की बात नहीं करी, मोहे तो अब शुरू हुआ है ना, मान्यवर केम फॉर ओनली मेंस ट्रेडिशनल क्लोथिंग। तो मेंस ट्रेडिशनल क्लोथिंग का पुराना ब्रांड नेम, कोई एस्टेब्लिश ब्रांड नेम नहीं पता? लुई फिलिप नहीं ट्रेडिशनल, ये शेरवानी, पर लुई फिलिप तो थोड़ा प्रीमियम हो गया ना। हाँ बस लुई फिलिप है, दीवान सन्स का नाम ना सुना? हाँ दीवान सन्स का नाम, मतलब ट्रेडिशनल बता रही हूँ ना, जैसे बाप दादा के ज़माने का जो ब्रांड होता है, रेमंड, रेमंड ने तभी अभी शुरू किया है, वो एथनिक्स बाय रेमंड। सियाराम हो गया, सियाराम पहले बहुत चलता था, सियाराम की मार्केट बिल्कुल मान्यवर ने ख़त्म ही कर दी, कमिंग ऑन टू सियाराम जो चलता था। You got this thing. अब कंज्यूमर एक्विजिशन वील डू है, अभी क्लास कर ले थोड़ा सा ये टॉपिक कंज्यूमर एक्विजिशन का। किसकी? अच्छा I have not, मुझे शेयर करना ठीक है, मुझे ब्रांड का नाम वगैरह कुछ शेयर करना, मैं पर ओके करता क्या है नी शेयर करता क्या? अच्छा हेयर एक्सटेंशंस, मैंने सोचा ये भी ऑयल वगैरह बेचता है, ऑयल वगैरह वाले तो बहुत है ना मार्केट में, हेयर एक्सटे हाँ थोड़ा बाल, जैसे जनरली जिनके बाल छोटे होते हैं उनको लंबे वालों का शौक होता है, तो देखे ना ये इवन शार्क टैंक में भी एक प्रोडक्ट आया था। हाँ मामर्थ, मामर्थ के हेयर एक्सटेंशन भी आते हैं, नई कंपनी है। एग्जैक्टली नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज कंज्यूमर एक्विजिशन। यार एक पाँच मिनट है मेरे पास, लीगली वैलिड 5 मिनट है, सुन लो। वॉट इज कंज्यूमर एक्विजिशन? देखो कंज्यूमर एक्विजिशन या कस्टमर एक्विजिशन इज द देखो नाम से ही पता चल रहा है, एक्वायरिंग न्यू कंज्यूमर्स। सो एक्विजिशन ऑफ न्यू कंज्यूमर्स बाय अ ब्रांड बाय अ कंपनी इज द की आइडिया ऑफ कंज्यूमर एक्विजिशन। अ स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर एक्विजिशन स्ट्रैटेजी, ये भी स्ट्रैटेजी का ही पार्ट है। वी आर डूइंग डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, वी स्टार्टेड विद मार्केटिंग फनल, देन वी डिड स्वॉट, देन वी डिड द एस्कोर मॉडल। अब उसकी मार्केट ही बदल गई है ना, अब उसे हमसे काम ही नहीं है, अब वो स्मार्टफोन से ज़्यादा ऑन द हार्डवेयर चला गया, लाइक वायर्स वो सारी चीज़ों में चला गया, वो बिजनेस साइड पे चला गया, अब उसकी की साइड कस्टमर्स नहीं रह गए, क्योंकि वो टाइम के साथ अपडेट नहीं हुआ ना, वो टाइम के साथ अपडेट नहीं हुआ। जब जिस ज़माने में तुम नोकिया की बात कर रहे हो, आई रिमेंबर नोकिया के सबसे उस टाइम पे की मॉडल्स होते थे वो ई सीरीज़, एन सीरीज़, हाँ वो 3310 तो बहुत पॉपुलर था,
बट उस टाइम पे नोकिया डिडंट चेंज, उस टाइम पे सैमसंग वाज कैप्चरिंग द मार्केट विद द एंटायर टच स्क्रीन टच स्क्रीन. तो नोकिया ने कहा नहीं, मेरा तो ये ब्लैकबेरी के साथ भी हुआ. ब्लैकबेरी वॉज यू नो डार्लिंग ऑफ दैट टाइम. नोकिया और ब्लैकबेरी का कॉम्पिटिशन था डायरेक्टली क्वालिटी के अंदर, प्रीमियम रेंज में. मतलब जितने बिजनेस वाले होते थे वो ब्लैकबेरी बोलते थे. यू माइट हैव हर्ड ऑफ दैट सॉन्ग सैटरडे 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 तो सुना ही होगा. उसमें वो बोलते नहीं बीबी पिन. यू अंडरस्टैंड बीबी पिन क्या होता था? ब्लैकबेरी का पिन. तो जैसे अगर हमें बात करनी है तो आजकल व्हाट्सएप नंबर ही होता है ना, तो उस टाइम पे ब्लैकबेरी टू ब्लैकबेरी कम्युनिकेशन करने के लिए पर्टिकुलरली बीबी पिन होता था. सो अगर मतलब प्रीमियम देखो ना, प्रीमियम यस. सो अगर जैसे मैं एक बिजनेस वाली हूँ तो मैं जिसको बीबी पिन दूंगी ओनली दैट पर्सन कैन मैसेज मी, अदरवाइज इट्स माई प्राइवेसी. सीरियसली बीबी पिन वंड दी, वो जो लाइन बोलता है वो एक्चुअली उस चीज़ का मतलब उस टाइम पे वो प्रीमियम रेंज का फ़ोन था. सेम थिंग हैपन विद ब्लैकबेरी, सेम थिंग हैपन विद नोकिया, दैट दे डिडंट चेंज. उन्हें रियलाइज ही नहीं हुआ कि स्मार्ट स्क्रीन टच स्क्रीन विल बिकम सो मच डोमिनेंट इन दी वर्ल्ड. वो बदले नहीं तो लोगों ने नहीं बदल दिया. दिस इज़ व्हाट हैपन विद कोडक. कुछ साल पहले कोडक के साथ भी तो ये हुआ था. आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल हैव कैमराज इन देयर होम. मेरे पास एक कैमरा तो है और जब जब कैमरा में रील डलती थी कोडक ही डलता था. बट एक ज़माना ऐसा आया कोडक बदला नहीं. कोडक क्यों नहीं बदला? क्योंकि डिजिटल फोन डिजिटल कैमराज आ रहे थे ना. तो कोडक ने कहा नो नो नो, ये तो मेरा एरिया है ही नहीं, मैं तो अपनी इसी प्रीमियम वैल्यू पे चलूँगा, रील पे ही चलूँगा. वो हमने उस प्रोडक्ट को ही चेंज कर दिया. सो दिस इज़ व्हाट मार्केटिंग मायोपिया इज. ये कॉन्सेप्ट होता है मार्केटिंग मायोपिया. कमबैक बहुत मुश्किल होता है. यस, कमबैक बहुत मुश्किल होता है. अ स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर डिजिटल एक्विजिशन स्ट्रैटेजी अट्रैक्ट्स द लीड्स. ये हम कीवर्ड्स पढ़ेंगे, लीड क्या होता है, देन नर्चर्स देम अंटिल दे बिकम सेल्स रेडी एंड फाइनली कन्वर्ट देम इनटू कंज्यूमर्स. सो लीड कौन होता है? अ लीड इज एनीबडी. अ लीड इज एनी काइंड ऑफ एनीबडी इन द मार्केट हु कैन बिकम योर टारगेट ऑडियंस, हु माइट बी हैविंग एनी इंटरेस्ट इन योर प्रोडक्ट. वो लीड है. लीड हो सकता है जैसे जितने लोगों ने टाइगर 1 देखी है वो सारे लीड्स हैं टाइगर 3 देखने के लिए. क्योंकि जिन्होंने टाइगर 1 देखी है उनका कहीं ना कहीं टाइगर के साथ कनेक्शन है. गदर 2, जिन्होंने जिनने गदर 1 देखी है वो सारे लोग लीड्स हैं फॉर गदर 2. वो अलग बात है उनमें से कितने लोग देखते हैं, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट. बट मैं लीड की बात कर रही हूँ. जैसे जितने लोग BBA करते हैं वो सारे लीड्स हैं फॉर डूइंग पोटेंशियल MBAs. दैट इज़ वाई ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर डूइंग BBA थर्ड ईयर में आते आते उन्हें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के MBA के मैसेजेस एडवर्टीजमेंट्स आने लग जाते हैं. हमारी यूनिवर्सिटी से कीजिए, हमारे प्रोग्राम से कीजिए, हमारी ये फीस है, हम आपको पर्सनलाइज एक काउंसिल सेशन दे देंगे, हम आपके पेरेंट्स को भी समझा देंगे. यू अंडरस्टैंड दैट? सो एनीबडी हु कैन बिकम योर पोटेंशियल टारगेट कंज्यूमर इज़ अ लीड. तो दैट इज़ वाई वी से अट्रैक्ट द लीड्स. सबसे पहले लीड्स को अट्रैक्ट करो, उन्हें नर्चर करो. नर्चर का मतलब क्या है? उन्हें बार बार समझाते रहो, बुझाते रहो, दिखाते रहो अपने प्रोडक्ट के बारे में अंटिल दे बिकम सेल्स रेडी. और जैसे ही वो सेल्स रेडी हो जाए उन्हें फाइनली अपने अब लीड से किस में बना दोगे? कंज्यूमर में बना दोगे. सो दिस इज़ व्हाट अ मार्केटिंग कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रैटेजी डज. सो ओवरऑल इसको हम CAC भी बोलते हैं. दिस कैन ऑल्सो बी अ क्वेश्चन इन योर इंटरव्यू दैट वॉट डू यू मीन बाई CAC. So that is the customer acquisition cost. Cost of acquisition. वो अगर cost को पहले कर दो तो कोका भी बोल सकते हो. तो ये पता होना चाहिए. जैसे तुम लोग बोल, this is CAC, that is customer acquisition cost. और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, cost of customer acquisition. तो जब कोका लिखेंगे ना तो एटलीस्ट क्योंकि वो cost एक टर्म है तो ओ थोड़ा छोटा लिखेंगे. ये चीज़ें पता होनी चाहिए. जैसे टैम क्या होता है, टारगेट अवेलेबल मार्केट या टारगेट ऑडियंस मार्केट. ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा ना टर्म्स टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए. बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग की है, इसके आगे और भी टर्म्स आएंगी. वी हैव लाइक CAC, CPA, ये सारी हम डिस्कस करेंगे. लीड क्या होता है, लीड का मीनिंग क्लियर होना चाहिए. व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ए लीड एंड अ कंज्यूमर. तो ये सारी चीज़ें विल बी डूइंग. नाउ लेट्स स्टॉप ओवर हेयर एंड इन द नेक्स्ट क्लास वील कंटिन्यू दिस थिंग. यूर वेलकम.
वीकनेस है वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कंट्रोल होती है। हाँ इंटरनली यू कैन कर, मतलब यू कैन ओवरकम योर वीकनेस, बट थ्रेट को थोड़ा सा कंट्रोल करना, हाँ वो एक्सटर्नल है। क्योंकि वेलकम, मैं 2 मिनट में बाहर ही आ रही हूँ, पहले वो आ जाए, मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ, माइक दे के जाऊँगी ना उनको। स्टेट क्या क्या है, रह गए ये सब, रुक जो आने दो उन्हें, देखना बाहर है वेरी, नहीं नहीं यहीं होंगे, अभी तो यहीं थे, कहाँ चले गए।